दुनिया बोल है. दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय कैडबरी ओकेजन्स. मिठास जो दिलों में जगह बनाए. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान. मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश, जुहेब. सबसे पहले आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, सैरिश की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की सारी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद का पहला दिन मुबारक हो. वैसे तो इस ईद का इंतज़ार हम सभी लोग करते हैं क्योंकि गमों को भुलाने का दिन होता है, रूठे दोस्तों को मनाने का दिन होता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस ईद की होती है वो ईदी लेने का दिन होता है. लेकिन अब उन लोगों को कौन समझाए जो सैरिश को कहते हैं कि भाई आपकी ईद दी, लेने की उम्र खत्म हो गई है, देने की उम्र है. आपने मुझे ईद दी अभी नहीं दी, आप भी मेरे से मांग रहे हैं, बहुत गलत बात है. सबको नजर आ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा है. खैर, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाएंगे उनके बारे में मैं कहूंगी कि वो कहते हैं ना कि अंधेरी रातों में, सुनसान राहों पर रोज एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं. वाह 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 वाह. आप समझ गए होंगे, कराची में पूरा रमजान दस्तरखान सजाकर इंसानियत की खिदमत के लिए पेश दिखाई दिए हैं. और जो उनके जहन में कराची शहर को लेकर यहाँ का अमन ऐसे ही बहाल रहे, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, ये रोशनियां बहाल रहे, जितनी एफर्ट्स उनसे हो सकती हैं वो कर रहे हैं. आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ जनाब कामरान टिसोरी साहब की. गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का. मैंने आपको बहुत तंग किया कि मुझे टाइम में, लेकिन ये ईद मुबारक आपको. और मुझे ये बताइए, सबसे पहले कामरान साहब के बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी आपके बारे में. अच्छा. कि ये बंदा एकदम दरमियान में गायब हो गया था, फिर ये मंजर यहाँ पर ऐसा उभरा कि वाकई शहंशाह कहते हैं. अच्छा. भाई मैं बंस रोड में देखती रही, वहां आप ये नली निहारी खाते दिखाई दे रहे हैं, फिर दस्तरखान सजा हुआ है, पकौड़े बन रहे हैं, कचोरियां बन रही है, फिर माशाल्लाह चांद रात पर खवातीन अपनी कराची की तमाम माओ बहनों को आपने इन्वाइट किया कि आए आके मेहंदी लगवाए, तो ये कहाँ थे आप? बात आप ठीक कह रही हैं. जितना गैप मुझे मिला ना उसमें बैठ के मैं सब सोच रहा था कि अगर मौका मिलेगा तो ये सब करूँगा. लेकिन बात ये है कि इस जैसे हालात भी पहले कभी नहीं हुए. जो आप पाकिस्तान को बने 75 साल गुजर चुके हैं, इस वक्त जो माशी हालात हैं ना, लोग बहुत परेशान हैं. और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी एफर्ट्स हमने की हैं, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, लोगों को इफ्तार कराया, डिनर कराया, और फिर ये चांद रात आपके सामने है कि इसमें हमने बच्चियों को, बहनों को मेहंदी और चूड़ियाँ. वो इसलिए कि मुझे पता है कि इस वक्त जो हालात हैं, तो एक बाप अपनी बच्ची को मेहंदी चूड़ी दिलवाने ले जाए या गाड़ी में पेट्रोल डाले, बिल्कुल आप सही, दोनों में से एक काम कर सकता है, वो मोटरसाइकिल में डाले. इसी तरह से ये वो रमज़ान था जिसके अंदर लोग अपने बच्चों को शहरी में नहीं उठा रहे, बिल्कुल जान करके, और सुबह कहते हैं कि आँख नहीं खुली, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने शहरी कराई तो इफ्तारी नहीं करा पाएंगे. इतने माशी हालात ख़राब हैं, इतनी बेरोज़गारी है, इतनी महंगाई का तूफ़ान है. तो यही मेरा एक मैसेज था उन साहिब इख्तियार, साहिब सरवत और साहिब इक्तदार लोगों को कि वो भी अपने दरवाजे खोलें. जब गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल सकते हैं तो फिर बाकी क्यों नहीं खुल सकते? दिल के दरवाजे भी और दिल के भी दरवाजे, घर के दरवाजे भी आप खोलने चाहिए. अच्छा गवर्नर साहब, आपका जो पिछला रमजान था और पिछली ईद थी वो आपकी टिसोरी हाउस में थी, तो फर्क क्या है टिसोरी हाउस में और गवर्नर हाउस में? बिल्कुल, इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क एक ही है कि वहाँ टिसोरी हाउस में भी पिछले 10 साल से सहरी और इफ्तारी बराबर वाले प्लॉट पर होती है, जो आज दिन तक भी हो रही है माशाल्लाह. और वहाँ भी हज़ारों लोग सहरी में भी आते हैं, इफ्तार में भी आते हैं. लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि वहाँ रोज़े के टाइम पे मैं फैमिली के साथ आके रोज़ा खोल लेता था. यहाँ पर यह है कि गवर्नर हाउस में भी फैमिलीज़ आ रही हैं और वो भी मेरी फैमिली हैं, तो होता यह है कि अब इफ्तारी उनके साथ होती है और सहरी बाहर लोगों के साथ. जितना एक्टिव मैंने आपको देखा जब से आप आए हैं, आपके जहन में ये सारा रोड मैप था कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ फोकस करनी है? इस सारी सूरत हाल में फारूक भाई की बात मैं लाजमी करूँगी. उन्होंने इतना आपको सपोर्ट किया है, आप लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपस में दोस्ती है, ये क्या चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं था. असल में उनकी जो मिसेज हैं, तो मेरे इन लॉज के साथ उनका ताल्लुक था और मेरी वाइफ बिल्कुल बचपन में उनके सामने ही बड़ी हुई, तो इनका अमेरिका से एक ताल्लुक था फैमिली का ना. तो 16 साल बाद वो आई कराची और फिर फारूक भाई के साथ उनका जो भी था ताल्लुक, उस हिसाब से उन्होंने कंटिन्यू किया. तो मेरी फैमिली को जानती थी,
तो मेरी मिसेज को उन्होंने अपनी बेटी बनाया हुआ। अच्छा। तो वो इस वजह से, उनकी वजह से हम और ज़्यादा करीब हो गए कि भाई सियासी तौर पे, क्योंकि मैंने फिर जब एमकेएम ज्वाइन की। लेकिन आज मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि फारूक भाई ने तो बहुत सपोर्ट किया है इसमें, नो डाउट। लेकिन असल वजह एमकेएम में लड़ाई की और एमकेएम को छोड़ना भी फारूक भाई था। अच्छा। क्योंकि मेरा तो वहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, असल में तो फारूक भाई का मसला था। उन लोगों का क्या वैसे? असल में वो जब फारूक भाई ने कन्वीनरशिप संभाली तो जो 8-10 पुराने लोग थे ना, वो ये समझते थे कि हम सब एक साथ के ही हैं और हमारा भी उतना ही हक है पार्टी में जितना फारूक भाई का है। गवर्नर साहब, अब जो बच्चा जब छोटा होता है तो सोचता है कि यार बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, कुछ सोचते हैं मैं पायलट बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं CSS करूंगा। आप जब छोटे थे आपने क्या ये सोचा था कि मैं बड़े होकर गवर्नर बनूंगा या आपके लिए सरप्राइज था? नहीं नहीं ये तो वाकई एक सरप्राइज है और अल्लाह ताला ने, सबसे मज़ेदार बात इस गवर्नरशिप की यह है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन इसका नोटिफिकेशन हुआ, तो मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें भी उस खुशी के दिन, जो अल्लाह के लिए खुशी का दिन है कि नबी कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दिन जो हम खुशियों से मनाते हैं, उस दिन मुझे अल्लाह ने ये तोहफा दिया। वैसे तो आपको ये सरप्राइज ही मिला था या आपको पता था कि मेरा नाम दे दिया गया या मैं बनूंगा? नहीं नहीं, मैं तो किसी पार्टी के लिए किसी और के लिए कोशिश कर रहा था कि वो बन जाए, लेकिन अच्छा। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। बताएंगे वो कौन था? तो ये बताएं, आज ईद के दिन नमाज पढ़ने के फौरी बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद क्या किया मतलब आप? देखें, शुरू से ये रूटीन है कि नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले वालदा को मिलने जाते हैं और उनके साथ बैठ के, उन्होंने रात ही को वो शीर खोरमा का सारा इंतजाम किया होता है। हमेशा से हम पूछते हैं कि जी वो छुआरे गल गए नहीं गले, तो वो छुआरों वाली जो है ना शीर खोरमा खाने के बाद फिर घर आके बेगम को ईद मिली जाती है। अच्छा। तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा किस्म का शीर खोरमा बनाया होता है, फिर वो पूछती है वो वाला ज्यादा अच्छा था। अच्छा, सबसे पहले आगे कि कामरान भाई को कितना खाना पड़ता है। तो वो फिर ये डिसाइड होता है कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा था। अच्छा। तो वहाँ वो वाला ज्यादा अच्छा होता है, यहाँ ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कामयाब जिंदगी का राज है, कामयाब अज़वाजी जिंदगी का राज है कि बीवी की हर चीज अच्छी है। देखें, कामयाब जिंदगी का राज आज मैं लोगों को बताता हूँ जी जी, कि आप हमेशा अपनी बीवी को अपना घर के अंदर जो कमरे में टीवी लगा होता है ना, वो समझें। अच्छा। इसकी वजह ये है कि आप टीवी देख रहे हो, चुप होके देखना है बस, तो आप कुछ भी वो बोलते रहे आपने सुनना है बस। अगर आपने जवाब दिया तो टीवी के सामने कोई फायदा नहीं है, और बीवी के सामने जवाब दिया तब भी कोई फायदा नहीं। आपको ईदी मिलती है किसी से? हाँ, मैं अपनी अम्मी से ईदी लेता हूँ। अच्छा। मतलब बेगम से ईद मिलने के बाद फिर आप बच्चों के साथ कहीं निकलते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उसके बाद तो मैं 2-3-4 घंटे सो जाता था जब उस वक्त था, लेकिन अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि अभी ईद के बाद सोने का अभी कोई टाइम नहीं है। वैसे देखा गवर्नर साहब, आप लोग बहुत सोशल हैं, आप हर जगह नजर आते हैं, इससे पहले गवर्नर भी रहे लेकिन वो इतने हमें एक्टिव नजर नहीं आए। आप लाइक 2-3 इवेंट्स पे मैं खुद गया, मैंने कहा आप कैसे कर लेते हैं, एक दिन गया मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ और आप हर इवेंट पे पहुंचे होते हैं। बस अब इसकी यही वजह है कि मैं दिल से कर रहा हूँ, लेकिन इसकी ये वजह बिल्कुल ना समझिएगा कि मुझे घर वालों ने निकाला हुआ है कि कोई और काम नहीं है। लेकिन जो भी काम करें दिल से करना चाहिए, और देखें आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी और भी जो लोग मुझे मिलते हैं, जब ये बात कहते हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं, लोगों के दरमियान हैं, आवाम के दरमियान हैं, तो आप देखें यही एक चीज़ है जो इंसान को फील करके अच्छा लगता है। वरना बहुत सारे लोग आते हैं इन ओहदों पर, लेकिन उनके जाने के बाद या उनकी उस दौरानिए में भी लोग कहते हैं कि यार ये हमसे मिलते नहीं हैं, हमारे साथ रबते में नहीं रहते, लेकिन ये अच्छी चीज़ ही है जो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है कि जैसे जैसे लोग मुझे ये कह रहे हैं तो मुझे भी सुबह से फिर और ज़्यादा 17 घंटे आप बता रहे थे आप काम करते हैं। सुबह 10 बजे मैं ऑफिस शुरू करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रमज़ान थे तो उसमें भी वही टाइमिंग थी कि फजर के बाद होता था, और वैसे भी रोज़ाना मेरी सिर्फ 3-4 घंटे की नींद है जब से मैं गवर्नर बना। अच्छा, वैसे कामरान भाई सारी सिचुएशन में, क्योंकि हम अभी वैसे तो ईद का दिन है, मैं नहीं चाह रही थी कोई पॉलिटिकल बात आपसे की जाए, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिकली हमारी इतनी ख़राब है, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली लोग इतने डिवाइड हो चुके हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मतलब ये होना चाहिए जो हो रहा है हमारे मुल्क में? देखें, हमें जो सबसे बड़ा अलमिया है ना वो ये है कि हम कौमियतों में और फिरकों में बट गए, और पाकिस्तानियत जो है ना, नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, वो हमें ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। हम इंडिविजुअली सब कुछ बन गए, एक अच्छा इंसान नहीं बने। बिल्कुल। हम अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं हम। और उसके साथ साथ हमें ये भी चीज़ हमें से ख़त्म होगी कि हम लोगों की मदद करें।
आप देखें हम शारे फैसल से गुजरते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला अपने बीवी बच्चों के साथ गिरा पड़ा है, हम रुकते नहीं हैं उसके लिए, हम गुजर जाते हैं देखते हुए। आज पूरे शहर में जगह जगह कचरे पड़े हैं, हम गुजर जाते हैं। वो हमारे अंदर जिस तरह हम अपने घर का ड्राइंग रूम साफ रखते हैं ना, अच्छा रखते हैं, हमें इसी तरह अपनी गलियों को भी साफ करना है, अपने चौराहों को। देखिए ओनरशिप की जरूरत है, बेसिक ओनरशिप लेनी है करते और हैं, ये फील करना है ना कि हम एक पॉजिटिव पाकिस्तान का जो मैसेज है दुनिया में दिखाएं, हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम माशी तौर पर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम $1-2 बिलियन के लिए दुनिया के सामने जाके रुसवा हो रहे हैं। तो ये हमारा वतन है ना, हमें कब हम अंदर से जागेंगे, कब हमें ये एहसास होगा कि हम प्रॉपर टैक्स भी दें और इस शहर को साफ सुथरा भी रखें और इनके लोगों की मदद भी करें। मतलब कब आएगा ये, किसके दिल में आएगी बात। बिल्कुल, तो जो अभी आप पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि ये क्यों जहन में आया, तो वो आया ही इसीलिए है कि जब अगर हम इन चीज़ों में लोगों के साथ नहीं होंगे और आवाम हमारे साथ नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और चीज़, आपने थोड़ी देर पहले अपनी वालदा का जिक्र किया। मैं अपनी वालदा से बहुत क्लोज रहा, अभी कुछ ही एक महीना पहले उनकी डेथ भी हुई है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना रिश्ता जो आपका वालदा के साथ है उसको हमारे नाज़रीन का, कैसे आपका रिश्ता है आपकी वालदा के साथ। सबसे पहले तो मैं आपकी वालदा का वो हुआ है उसके लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। देखें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी शख्स को अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए मैं समझता हूँ दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक दिल में खौफ खुदा नहीं होगा दिल अच्छा नहीं हो सकता। और खौफ खुदा कब होता है, जब आप अल्लाह से करीब होते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं कि देखें जब तक हम अच्छे लोगों के दरमियान नहीं बैठेंगे, अपने बुज़ुर्गों के साथ नहीं बैठेंगे, उनसे अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें देखें हम दूर हो गए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज इस शहर में इतने लोग हैं जो अपने सगे बहन भाइयों से महीनों महीनों नहीं मिलते। हम व्हाट्सएप पे बखैरियत पूछ लेते हैं, वो कज़न्स हमारे कहाँ गए जिनके साथ बचपन गुजारा था, आज वो दूर दूर हैं। अगर कोई गरीब है तो वो बिल्कुल ही दूर है, सही कह रहे हैं। अगर वो अमीर है तो फिर चले हम सोचते हैं मिल लें उससे, तो ये क्या हुआ है, हम दूर हो गए हैं अपने ही लोगों से और एक ज़िंदगी में एक मगन हो गए हैं। और वो मगन क्या है कि ये हमारा वहम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम उसी दायरे में घूमते जा रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना कि टूटते तारों को देखकर ये समझते हैं कि हम उनके करीब आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमें वो कुछ करना चाहिए जो सब आज जिसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है कि हम में आपस में एक दूसरे को मिलने से हमें दूर कर दिया गया है, हमसाया हमसाए से नहीं मिलता, रिश्तेदार रिश्तेदार से नहीं मिलता। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि अल्लाह ताला ने एक बात ज़रूर हमें सुनने को मिलती होगी कि अल्लाह ने ये कहा कि इंसान खसारे में है, तो ये असल खसारा वही है कि हम दूर हो गए हैं सबसे। बिल्कुल, हम में एक दूसरे के लिए कोई चीज़ बची ही नहीं है, हम अच्छा, खुद अपने आप में भागे जा रहे हैं। आपने ये मिलने मिलाने की बात की, उनके कामरान आपसे फैमिली के हवाले से तो पूछ रहे, मेरे साथ जहन में कुछ पॉलिटिकल, क्योंकि देखें हर कोई इस मुल्क के हालात की वजह से परेशान है, मेरे जहन में वो चीज़ें भी चल रही हैं। अभी ये 90 दिन में इंतखाबात का मसला इतना संगीन हो गया, जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, क्या ये होना चाहिए, मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं, जो इंतखाबात को लेके डिवीजन एक पैदा हुई हुई है और आइन से मुतसादिम चीज़ें हो रही हैं, अदालतों में मामलात जा रहे हैं, उन पर अलग प्रेशर आ रहा है, ये क्या हो रहा है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ एक और इलेक्शन करा लें, ठीक है, हो जाएगा ना, जैसे पहले होते रहे। विफाकी बात करें या सूबाई बात करें, किसी भी कोई भी इलेक्शन करा, में जाने में क्या प्रॉब्लम है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए एक और इलेक्शन करा लें, जो इतने पहले इलेक्शन हुए तो 75 सालों में और एक और इलेक्शन हो जाएगा, उसमें इंसानों की ज़िंदगी क्या बदल गई है। मैं तो कहता हूँ कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, पहले उनको बिठा के आप लोग बुलाएं और उनसे कहें, उनके लीडरान को बुलाएं कि बताएं आवाम को कि आपके पास क्या मंशूर है कि आप हालात ठीक करेंगे, या आप सिर्फ इलेक्शन करा के सीटों पर बैठने आना चाहते हैं, पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए बात तो यह है कि क्या वो इलेक्शन की डिमांड अपने लिए कर रहे हैं, अपने इक्तदार के लिए कर रहे हैं या आवाम के लिए कर रहे हैं। अगर आवाम के लिए कर रहे हैं तो सभी इनमें से वो हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सभी दो दो बारियां ले चुके हैं और कुछ एक और दूसरी बारी लेना चाहते हैं, ठीक है ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल को मतलब होता है, वो जो दूसरी बारी लेना चाहते हैं वो भी पहले 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर लोग ढूंढ रहे हैं उनके कि वो कौन से रेगिस्तान में बने थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बुलाएं और उनसे पूछें कि आपको अगला इलेक्शन भी करा देते हैं और अगली बारी भी दिला देते हैं, पहले ये तो बताओ कि तुमने करना क्या है लोगों के लिए। असल में मसला ये है कि पॉलिटिशियन हमारे वो भी सोचें, फिर ख्वाब बेचते हैं और हमारी आवाम बेचारी मासूम है, वो खरीद लेते हैं। बिल्कुल रैपिड फायर में चाह रहा था हम आपके साथ वो खेलें, कुछ होगा ऐसे कि
छोटे छोटे सवालात होंगे और आपने बिना सोचे समझे तो नहीं कह सकते, लेकिन सोचे समझे बिना कुछ सेकंड्स के अंदर आपने जो पहली बात आपके जहन में आती है आपने उसका वो जवाब देना है। तो तैयार हैं आप? मैं हर वक्त हर चीज के लिए तैयार हूं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, कुछ सवाल आते हैं हमारे पास। अच्छा, आपके सियासी कायद कौन है? इतनी सोचने की बात तो नहीं है। मैं इसलिए तो खामोश हो गया कि आपका जो ये क्विज था उसको मैं खराब कर दूं ताकि जवाब ही ना दूं। पाकिस्तान में ही है, लंदन में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पार्टी है जिसने मुझे नॉमिनेट किया, देखें अल्लाह ताला भी कहता है कि हर वो शख्स जो आपको कोई बनाए और अगर आप उसके शुक्रगुजार ना हो तो फिर आप दुनिया में कुछ नहीं। तो हमारे इस वक्त जो सरबरा हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और उन्होंने ही मुझे नॉमिनेट किया। वही आपके कायदे? हमारे कायदे दिल से हुई। अच्छा। हमारे कन्वीनियर है वो। कन्वीनियर। चले भाई, पहली जॉब पहली सैलरी क्या थी? मैंने पहला बिजनेस किया था और मैंने उस वक्त 13,000 रुपए कमाए थे। वेरी नाइस, सही सही बताया। अच्छा, मसाइल का जिम्मेदार कौन है, सियासतदान या एस्टेब्लिशमेंट? अवाम। अवाम। हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं अपने मसाइल के, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 75 साल में सिर्फ हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ खेला है और अवाम 75 साल से खामोश है। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो खामोश है। आज अवाम खामोशी तोड़ दे। लिटरेसी रेट पता है आपको हमारे मुल्क में क्या है? उनको तो इन्होंने शऊर आने ही नहीं दिया ना। शऊर की बात नहीं होती। देखें, हम आज भी देख लें बड़े बड़े सियासी जलसों में लाखों लोग नजर आते हैं। बिजली पानी गैस के लिए कभी लाखों लोग नजर आए आपको? नहीं, मेरा सवाल है। इंकलाब की भी बात नहीं है ना। देखें, शऊर आ जाता है जब आप किसी के जलसे में पहुंच सकते हैं और वहां नारे लगा सकते हैं जहाँ सिवाय बातों के जज्बात के कुछ नहीं मिलता। लेकिन कामरान साहब, लेकिन अगर आज रोजगार के लिए, मैं तो सिर्फ 3 चीजों की बात करूँ ना, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इस शहर की बात करें आप, इस चीज के लिए उनके पास लीड करने के लिए बंदा नहीं है जो उनके दिल की आवाज करे। हमारे जिन लीडरों के पास पहुंचते हैं वहां भी तो पहुंचते ही है ना, कोई सवाल कर सकता है किसी से? क्योंकि वो करीब ही नहीं आने देते ना। हर लीडर के गिर्द सिक्योरिटी का हिसार होता है। ये तो है, ये तो आपको एक पहला बंदा अल्लाह ताला ने दे दिया है जिसके गिर्द अवाम होती है, सिक्योरिटी नजर नहीं आती। अल्लाह करे कि आप इसी तरह आगे आगे रहें और खिदमत करते रहें। अब मुझे बताएं कि कराची का मैंडेट मुनकसिम हुआ? देखिए, पहले सिंगल एक पार्टी होती थी जिसका नाम एमक्यूएम पाकिस्तान था और उसके बाद मल्टीपल पार्टीज आ गई, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन आप भी माने इसी शहर में आप रहते हैं, वो मल्टीपल पार्टीज भी कुछ नहीं कर सकें। और आज जो है ये शहर जिस तरह लोगों के दिल टूटे हुए हैं उसी तरह से इस शहर के रोड रास्ते टूटे हुए हैं। आप पूरा शहर एक खंडर की सूरत है। आपने खुद कहा अपने इंट्रो में कि मईशत का शहर, रोशनियों का शहर, जो आज मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम आप देखें कि लोग जो हैं महफूज नहीं है, लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, रोडों पे तो आप छोड़ें। लेकिन सर, अब मसला यह है कि सियासतदान ही सारी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने संभालना होता है। जिस भी सियासत हमारे प्रोग्राम में बहुत से आते हैं पॉलिटिशियंस, उनसे जब इस बात की जिम्मेदारी छोड़े के बारे में, हमारे पुलिस ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि भाई आप इनसे रेजिस्ट मत करें, जो मांगे वो दे दें। आपको कामरान साहब याद है वो बात जो उन्होंने की थी? वो उस दोहराए में की थी, मेरी उनसे बात भी हुई थी, उस वक्त मैं गवर्नर भी नहीं था, जावेद ओडो ने ये बात की। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि कानून हाथ में ना लें। देखें, असल बात तो ये है कि एक मोबाइल छीनते वक्त आप रेजिस्ट करें और आपकी जान चली जाए तो मोबाइल तो फिर आ सकता है, जान तो नहीं आ सकती ना। उस माँ बाप का क्या होगा जो अपने बच्चे को, एक एनएडी का स्टूडेंट जो 4 महीने बाद अपनी डिग्री लेने वाला था, वो एक मोबाइल छीनने पे चला गया। लेकिन सर, बात ये उस वक्त उठती है, सवाल ये उठ रहा है कि वो मोबाइल छीनने की नौबत ही क्यों पेश आती है? ये वो बंदा बात कर रहा है जो कि जिम्मेदार है इस चीज का कि उसने हमारी जिंदगी को हिफाजत देनी है, उसने मुझे मेरे मोबाइल की हिफाजत करनी है, उसने मेरी जिंदगी की हिफाजत करनी है। वो बंदा यहाँ तक पहुंचा क्यों है? और जिसकी जिम्मेदारी है वो बंदा ये बयान कर रहा है कि आप दे दें उसको, तो लेकिन उसकी भी वजह है। होगा होगा, देखिये मैं तो सिर्फ वो बात करता हूँ कि जैसे आपने कहा ना, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं। और वो क्यों है कि देखें, हमें अगर इस कराची शहर की आप मिसाल ले लें तो अगर यहाँ रोजगार के मौके नहीं होंगे, लोग बेरोजगार होंगे। 80,000 लोग अभी इंडस्ट्री से ले ऑफ हुए हैं मईशत की वजह से, तो ये 80,000 के बच्चे नहीं है, खानदान नहीं है। फिर आपके शहर में इनलीगल इमिग्रेंट जो है वो दबा के आ रहे हैं, आपका कोई रोकथाम नहीं है, आप जिधर बस्तियां बन चुकी हैं यहाँ पे, तो ये सब फिर वहीं से पैदा होते हैं जब बेरोजगारी बाहर जा रहे हैं लाखों की तादाद में, आपका टैलेंट बाहर जा रहा है। आप आज, मैं चांसलर भी हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज का सिंध में,
तो जिस बच्चे से पूछो जब मैं उनको गोल्ड मेडल देता हूँ उनके कॉन्वोकेशन पे, तो मैं उनसे हल्के से पूछता हूँ कि क्या प्लान है, तो वो एक सेकंड के टाइम में मुझे जवाब देते हैं सर बाहर जाना है। तो हर टैलेंट बाहर जा रहा है, कारोबारी लोग भी अब यहाँ की मईशत से बेजार हो के बाहर जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो ये टाइम है जिसमें आपने मुझसे पूछा था ना कि क्या वजह है जो मैं रातों को शहरियों में गया हूँ, मायूसी दूर करने गया। बहुत से लोगों ने कहा यार आप रोज़ाना खाना खाने चले जाते हैं, मैंने कहा यार मायूसी भी तो किसी को दूर करनी है ना, लोगों को होप तो दिलानी है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, हम आपके दरमियान खड़े हैं। अब कामरान भाई बातें इतनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं कि रैपिड फायर थोड़ा डिले हो गया। मैं कोशिश करूंगी कि जो अगली बाकी के सवाल आते हैं वो हम जल्दी जल्दी करें, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम खाने की टेबल पर आ चुके हैं क्योंकि ईद का दिन है और ईद पर आपको पता है दावतें तो होती हैं, तो हम मेहमान वैसे बिन बुलाए नहीं थे, मेहमान थे। तो हमारे साथ अब अनुशे भी हैं और हमारे बहुत प्यारे से क्यूट से स्वैग वाले यूट्यूबर जैद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इन दोनों से भी बहुत मजे मजे की बातें करनी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि रैपिड फायर हम खत्म कर लें कामरान साहब के साथ, उसके बाद हम दोनों से बातें करें। कामरान साहब अब हम रैपिड फायर जब कर ही रहे हैं तो कुछ चीजें मेरे जहन में भी आ रही थी, एक तो सबसे पहले बताइएगा खाने के हवाले से क्या पसंद है आपको। देखिए खाने में तो जो मिल जाए वो सबसे ज्यादा अच्छा है। हां ऑप्शन दे दें। हलीम बिरयानी जो कराची वालों की बहुत फेवरेट है, कढ़ाई हलीम मजेदार हलीम बहुत सारे हैं यहाँ पे। लस्सी या सॉफ्ट ड्रिंक? लस्सी। और ईदी मिलती है? हाँ मिलती है। कितनी मिलती है? मदद देती है 5000। सिर्फ अम्मी देती हैं आपको? अम्मी और मेरे जो ताया हैं या जो भी बड़े हैं खानदान के वो देते हैं। मिजाजन शर्मीले या दिल फेंक? दिल फेंक। अच्छा बेगम से मिली हूँ, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि वो पता चल रहा है कि अपनी पसंद होगी। और गवर्नर हाउस की सबसे पसंदीदा चीज क्या है आपकी? गवर्नर हाउस की कायदे आजम साहब का ऑफिस मेरे लिए बड़े फखर की बात है कि जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ उनके बराबर, बल्कि अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि वो प्रिजर्व किया हुआ है। शरीफ आदमी बेगम से डरता? हाँ बहुत ज्यादा। जो कोई ख्वाहिश ऐसी जो पूरी ना हुई हो आपकी? सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो अल्लाह ने पूरी कर दी, और आखिरी यही था कि जो मनसब पे अल्लाह ने बिठाया है तो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। अब आसिफ जरदारी या इमरान खान? आसिफ जरदारी। ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताएगा सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स या गजल्स? गजल्स। बेनजीर भुट्टो या नवाज शरीफ? बेनजीर भुट्टो। अच्छा माविश हयात, माहिरा खान या मीरा? हमें नाजरीन एक प्यारे से छोटे से क्यूट से बच्चे ने और ज्वाइन किया है जो कि तैमूर हैं और बड़े स्मार्ट बॉय हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। शैतानी जो है वो नजर आ रही है चेहरे से। मैं चाह रही थी एक दो सवाल मेरे फटाफट में पूछ लेती हूँ। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, क्रिकेट फुटबॉल क्या? क्रिकेट। अच्छा आप ये भी बताएगा कि ये जो नेटफ्लिक्स है क्या देखते हैं? पासवर्ड किसी का शेयर किया हुआ अपना ही है? अभी तक उसका कोई पेमेंट नहीं की, जहाँ जाते कहीं ना कहीं से मिल जाता। अच्छा कोई निकनेम था आपका? क्या? कामी। अच्छा वैसे कामी, माय नेम इज कामरान बाय द वे, तो कामी ही बनता है वैसे हमारा। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जब पढ़ते थे? कि जल्दी से बस छुट्टी हो जाए। छुट्टी हो जाए, ब्रेक मिल जाए। छुट्टी का सब्जेक्ट? ब्रेक का सब्जेक्ट बहुत अच्छा। अच्छा उर्दू मुझे अच्छी लगती थी। अच्छा उर्दू अच्छी लगती थी, फिर तो माशाल्लाह शायरी का भी शगफ होगा। थोड़ी बहुत कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा। पढ़े हुए लिखे हुए दूसरों के चुरा चुरा के। अच्छा मुझे ये बताएगा कि शायरी की बात की है तो फारूक सत्तार के लिए शेर ही सुन ले? नहीं वो अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। अच्छा आ रही है। अच्छा मुझे शेर उनके लिए, भाई शेर मंगवा दे जरा। अच्छा मुझे बताया कुकिंग में सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, मुझे लगता है आपको कुकिंग का शौक है। हां मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है। खुद बना लेते हैं वो पकोड़ों की बात अभी हम ऑन एयर भी कर रहे थे। नहीं नहीं वो भी बना लेता हूँ, और दूसरा एक रोस्ट बनता है ना जो मंदी टाइप का, वो अच्छा। बहुत अच्छा बनाता हूँ, किसी दिन आपको खिलाएंगे तो फिर आप कहेंगे वी विल लव टू ईट दैट। बच्चों ने खाया मेरे। अच्छा खाया आपने? बाबा खाना अच्छा बनाते हैं। मिल जाता वैसे आपको इतना? अभी तो नहीं, इस बार पिछले रमजान हमने खूब बना के खाए है ना। अच्छा बच्चों के हवाले से भी, तीन बच्चे तो यहाँ पे हैं माशाल्लाह आपके, एक मेरा और छोटा अभी 3 महीने का है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तैमूर जैद खान टिसोरी, अनुषा खान टिसोरी और तैमूर खान टिसोरी। ऑलराइट। और जुल्करमैन है वो? जुल्करमैन। ऑलराइट। और सबसे ज्यादा प्यार किससे है आपको? तैमूर। किसके बाबा को प्यार सबसे? तैमूर सच्ची बात बताएगा? हाँ
और बहन से हम पूछ रहे हैं ज़ाद, आपको किससे सबसे ज्यादा प्यार है? किससे सबसे ज्यादा प्यार है आपको? जो मेरी वीडियो स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा नाज़िम, मैं बता दूं, ज़ैद माशाल्लाह इतने ऑसम किस्म के यूट्यूबर हैं और अब तो माशाल्लाह ये कोई एसोसिएशन बना रहे हैं यूट्यूबर्स की, तो बताएं थोड़ा सा क्या करने का प्लान है? और यूट्यूब चैनल का सबसे पहले बताएं कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, मेरा नाम है ज़ैद खान टिसोरी। ऑलराइट, आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें उसको जाके। ऑलराइट, और कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी? मेरे 100 के स्पीड हुआ और वेरी नाइस, अभी वेरीफाइड भी हुआ है आज सुबह। अच्छा, 100 के हो चुके हैं यार, ये तो और यंगेस्ट है 12 साल के अभी। और अभी मैं सुबह जब मैं उठा ना तो मुझे ना यूट्यूब से ईमेल आई हुई थी कि मेरा चैनल वेरीफाई हो गया है। वेरी नाइस, तो आपका प्ले बटन आने वाला है? बस प्ले बटन आने वाला है। ऑलराइट, तो उस एसोसिएशन के बारे में बताइए। एक और चीज भी है कि प्ले बटन जब आएगा तो उसमें एक गिव अवे भी कर रहा हूँ मैं, एक आईफोन का। क्या गिव अवे कर रहे हैं? ऑलराइट, तो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब करें अगर वो आईफोन जीतना चाहते हैं। चलो जबरदस्त। अच्छा, एसोसिएशन के बारे में बताएं आप क्या सोच रहे हैं? मैं एक एसोसिएशन बनाऊंगा जिसके अंदर सारे यूट्यूबर्स आएंगे, लाइक बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे भी। उसका चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन मुझे लगता है कि मुझे होना चाहिए। नहीं, आपको बनाएंगे, अभी जब आइडिया आपका है तो फिर आप बनाएंगे। यूट्यूब में बनाने का नहीं है तो भाई को सब्सक्राइब किया हुआ? कोई नहीं किया, सपोर्ट कर रही है उसको। अच्छा, जबरदस्ती किया हुआ है आपके फोन से लेके। ये भी होता है ना कि बच्चे जो है ना एक दूसरे के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो मदद करती है वो इनके जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब इसने शुरू किया था तब कभी कभार मदद करती थी अपनी के। तंग करता है वैसे तो ये, लाइक आपका भाई जो है वो पहले बहुत कहता था लेकिन अब इसके ऊपर यूट्यूब का तो अब नहीं कहता। काम पड़ गया बोल। अनुषे, आज ईद का दिन है, ईदी बाबा से कितनी मिली है? 2500। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, कैमरा सब थोड़ी बढ़ाए। 5000 के नोट में से इन दोनों को दे देता हूँ। अच्छा, और बाकी इन दोनों से वो ले लेता है। बड़ा तैमूर सिग्मा फेस कैसे मिलता है? अच्छा, अनुषा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 8। ऑलराइट, आप ज़ैद? 7, 8। तो आप दोनों, लाइक आपका जब स्टडी चल रही होती है तो आप लेते हो हेल्प अपनी बहन से? नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं है? हम लोग पहले डिफरेंट स्कूल्स में थे तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा, वो अमेरिकन स्कूल में था ये जीसस एंड मैरी, दोनों का, एक का कॉन्वेंट है एक का अमेरिकन वो था, सिलेबस डिफरेंट है। हां, वो तैमूर जो है ब्रिटिश ओवरसीज में था। अब ये तीनों एक साथ एक ही स्कूल में हो गए। ओके, तो स्कूल में जाते हुए लाइक आप, अब बहन भाइयों की आपस में लड़ाई भी बहुत चलती होती है, खासतौर पर जब स्कूल के अंदर होते हैं और आपके अपने दोस्त होते हैं, भाई के अपने दोस्त होते हैं और इनमें से किसी से समटाइम्स नहीं बन रही होती, तो स्कूल में लड़ाई वगैरह होती है? अब नहीं होती। अच्छा, पहले होती थी? पहले जब घर आते थे दोनों के फ्रेंड्स आते थे आपस में लड़ाई। मसला ये कि मैं पुराने स्कूल में था ना तो मेरे ज़्यादा दोस्त इधर नहीं आते, बट इस स्कूल में मेरे दोस्त सारे इधर आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि इस क्लास में सारे दोस्त में छोटे हाइट के हैं, लाइक मेरे छोटे यहाँ तक के, तो फिर मैं घूम रहा होता ना उनके साथ कि सेम क्लास है, बट ये मजाक उड़ाती है मेरा। अच्छा, बच्चों अच्छा, वैसे मास्टर इसकी हाइट अच्छी है तो इसलिए बड़ा लगता है, लगता है बच्चों के साथ घूम रहा है। अच्छा अनुषी, मुझे ये बताओ गवर्नर हाउस में कैसा लग रहा है, और जब जहाँ पहले टिसोरी हाउस था वहाँ मजा आता था या यहाँ मजा आ रहा है? मैं उधर बड़ी थी तो ऑब्वियसली वो घर ज्यादा याद आता है। अच्छा, नॉस्टैल्जिया। ज़ैद, आपके वैसे मिस करते हो टिसोरी हाउस को? वहाँ पे जाना होता रहता है या कभी कभी वहाँ पे जाना होता रहता है, लाइक जैसे वीकेंड होते हैं ना तो उसमें कभी कभार चले जाते हैं, क्या कभी कभार इफ्तार करने चले जाते हैं। सबसे ज्यादा घर में शराती है तैमू, किसको तंग करते हो सबसे ज्यादा? अच्छा, दोनों को भी करता है, बाबा प्यार करते हैं, मामा ज्यादा प्यार करती है, दोनों ने प्यार करते हैं। नहीं, वो बायकॉट कर रहा है आप लोगों का, वो कह रहे हैं दोनों प्यार नहीं करते। बाबा लव नहीं करता बेबी को? अच्छा, जो तैमूर है ना वो बिल्कुल साइलेंट होकर इशारों से बता रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त। मेरा सवाल था, मैं भूल नहीं रही जनाब, मैंने फारूक सत्तार भाई के लिए पूछा था, शेर कोई एक उनकी नजर अगर हो जाए वो भी खुश हो जाएंगे। उनकी नजर एक शेर कर देते हैं और वो ये है कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के। वाह वाह, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही,
यही बहुत है कि मशाले जला कर। वाह वाह, वैसे बिल्कुल ये एक्यूरेट सिचुएशन पर फारूक भाई की बैठ रहा है, और जो वफा उन्होंने की है ना कामरान भाई के साथ, उसके बाद भले उनको जनाब वहां से काफी मजामत का सामना करना पड़ा। एक और शेर सुना देते हैं, और वो है पाकिस्तानी कौम के लिए, अवाम के लिए, जो कि वो एक उम्र से, उसको 75 सालों से जो है वो कर रहे हैं। वो ये है कि एक उम्र से फरेब सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेब सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं। चलिए जी, तर्जुमानी की आपने सही तर्जुमानी की ऐसा है। और हमारे नाजरीन को अगर आवाज आ रही है तो जिस घर में बच्चे होते हैं वहां पर ऐसी आवाज आती रहती है, तो नॉट अ न्यू थिंग। तैमूर के आने से पहले सब साइलेंट था, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आएगा तो इसने सबको जाके पीछे करना है। अच्छा, सारी चमचे जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। हमारे घर में भी छोटा बच्चा है, रिमोट जब भी आता है रिमोट हम छुपा के कोई यहाँ पे रख रहा होता है, फोन अपने उठा के वहाँ पे रख रहे होते हैं। इससे मुझे याद आया कामरान भाई, कोई ऐसी चीज है जो आप अक्सर रख के भूल जाते हैं और अक्सर ही भूल जाते हैं, वो कौन सी चीज है? मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, अपनी तस्बीह में बार बार रख के भूल जाता हूँ, फिर मुझे बाहर से पीछे से बंगा बंदा भागता हुआ था कि तस्बीह रह गई कभी गाड़ी में, बच्चे भूल जाते हैं। ये क्या कह दिया? ये ना कर भाई, इससे ये पता चल रहा है कि आप टाइम या तो नहीं दे पा रहे कि भूल जाते हैं। मुझे बता दें कि आप बाबा से क्या शिकवा है, 17 घंटे काम करेंगे तो भूल ही गए ना अभी, तो इसलिए तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा निकालें टाइम, देखें बच्चों ने ऑन एयर बोल दिया, अब टाइम निकालें। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपके पास पावर आए कि आपको किसी एक ऐसी शख्सियत के बारे में वो हकायक जानने जो कि अवाम जिनसे वाकिफ नहीं है, वो ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे? आपको क्यूरियोसिटी है कि मुझे पता चले है क्या दिमाग में, क्या चल रहा है? मुंह पे कुछ अच्छा है लेकिन आपको शक पड़ता है कि यार शायद इसके दिल में कुछ और चल रहा है। उसका नाम इमरान खान है। अच्छा मुझे बताएं, आपकी हॉबीज क्या? वर्कआउट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करता, अभी तो मेरा वजन बहुत ज्यादा 10 kg बढ़ गया। तो ये गवर्नर बनने से पहले का रूटीन है या फिर में हुआ? ये कि हम जब लोगों से बहुत ज्यादा मीट करते हैं तो उसमें हर एक के साथ कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो वर्कआउट नहीं हो रहा है, सच्ची बात है, टाइम नहीं निकल रहा। लेकिन अब मैं ईद के बाद इंशाल्लाह भी टाइम निकल जाए 2-3 दिन, उसके बाद फिर से। अच्छा आप इतने पॉजिटिव हैं माशाल्लाह, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपकी वसीम अख्तर साहब से दोस्ती हो गई है? हाँ हाँ, मेरे आजकल बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, बच्चों के बारे में वैसे बताएं कि प्लान्स क्या हैं आगे? आप बच्चों पे खुद पे छोड़ा है कि बच्चे जो कुछ बनना चाहें वो बन सकते हैं, या फिर आपने कुछ सोचा हुआ है बच्चों के लिए कि ये आपने बनना है, ये आपका गोल है? जो कुछ ये बनना चाहते हैं बन जाए, मेरा काम है सिर्फ इनको एक अच्छा इंसान बनाना, सपोर्ट करना। बाकी ये जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, वो इन पर है। चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं उनके ज़हन में क्या है। हाँ जी अनुषा, क्या सोचा हुआ है, प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स? बड़े होके क्या बनना है? वजीर आजम? हाँ, अबू तो गवर्नर बन गया। I want to be the PM, huh? इसका जो स्वैग स्टाइल है वो मुझे कुछ पॉलिटिशियन से ये या तो इंप्रेस है या लग रहा है उस जैसा। हाँ जैद? सोचा? नहीं नहीं, ये शोभा का भी हमारा कल्चरल ड्रेस है। अच्छा, मैं तो उसको ऐसे नहीं, नहीं वो एक आपका ऑरा होता है ना बच्चों में, बता रहा होता है कि आप इस तरह से हैं, और लाइक देखो वो शरारती है शो हो रहा है, वो मासूम है शो हो रहा है, और आप थोड़े सीरियस रहते हो बच्चे होने के बावजूद, इसलिए वो बात कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है, क्या बन रहा है? अभी तो फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, मैं लॉ आगे जाकर पढ़ूंगा। लॉ कर रहे हैं? वैसे जब अच्छा लॉयर बनूंगा फिर अच्छा पॉलिटिशियन बनूंगा। लाइक पॉलिटिशियन में आपको इंटरेस्ट है, लाइक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? जी, कि मुझे पहले ना लाइक सब पहले लॉ समझना चाहिए। आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? यूट्यूबर मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, डकी भाई। साथ बनाए व्लॉग वगैरह किए उसके? जी मैंने उनके साथ किए। ओके ओके, तो आगे वैसे व्लॉगिंग में भी आगे आपको लगता है कि स्कोप है? हाँ, लाइक एज इन के जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, अब लोग बहुत से पैसे भी तो कमा रहे हैं, इसी को बिजनेस बना लिया हम लोगों ने, तो आपको लगता है कि आगे स्कोप है आपके लिए इसमें? शायद कि अभी ना इसमें ना जब मैंने 100K हिट किए ना तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो पेड प्रमोशन होते हैं ना वो ईमेल करते हैं, डीएम करते हैं, तो एक अच्छी छोटी सी पॉकेट मनी बन जाती है। इमरान खान अच्छे लगते हैं वैसे? अच्छा वैसे गेटअप आपका कुछ इमरान खान से मिल रहा है? वो भी सलवार कमीज में कोट पहनते हैं। बाबा को तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, लाइक क्रिकेटर के तौर पर अच्छे लगते हैं, पॉलिटिशियन के तौर पर अच्छे लगते हैं। अनुषा को लगते हैं वैसे अच्छे? अनुषा आपका क्या ख्याल है इस बारे में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, इमरान खान में इंटरेस्ट है? बेटियां ज्यादा वो होती हैं ना असल में, ये उन्होंने बनने के साथ ही मेरे ना, तो इमरान खान ने कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो। अच्छा, तो अब कराची के लोग उनको इस बात पे पसंद नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मौला जट इतना काम कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस मगरूर अंदाज में ये लफ्ज़ कहा ना,
फिर एक दिन अजीब अजीब बातें भी कर दी मेरे लिए जलसे में, हालांकि मैंने तो उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे माला जट का है। तो माला जट का जो करेक्टर है पाकिस्तान में वो तो बहुत पॉजिटिव है, वो तो हमेशा अच्छी जगह पहुँचता है, और मैंने ये साबित भी किया कि मैं बाकी माला जट हूँ कराची के लिए और सिंध के लिए। अच्छा वो बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि अबू को जाहिर बात है कुछ कह दो, कैसे मुमकिन है कि आपको अच्छा लगे। वैसे इमरान खान से आपको लगता है कि ताल्लुकात कभी बेहतर हो सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं जब वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे और उन फोर्सेस के बारे में जो पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है, हमारी सरहदों की जामिन है। तो एक ही तो इदारा ऐसा है जिसकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, अगर वो उसको भी मिलाइन करेंगे तो फिर मेरी बड़ी दुश्मनी है उनके साथ, और वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की बात करें तो मेरी कर रही है। और कुछ खाना पीना भी कर लेते हैं, अभी खाना भी ठंडा हो रहा है। वैसे ज़ैन को क्या पसंद है खाने में? इतनी मीटिंग में जाते हैं, इतने पॉलिटिशियन आपको कराची बेस्ड भी मिलते हैं, और समटाइम कुछ ऐसा होता है कि आपको साथ वाला बंदा बहुत अनॉय कर रहा होता है लेकिन आप बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, किसी ऐसे बंदे का नाम बता सकते हैं? देखिए असल चीज ही यही है कि आपको हौसले से सबको सुनना है, और अगर आप में लोगों को बर्दाश्त की कुवत नहीं है तो फिर आपको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। ये बात वैसे बड़ी जबरदस्त है। आप तो अगर जैसे ना हर एक कोई बिजनेस करता है तो उसकी नॉर्म्स होती है ना, मेरे हिसाब से सियासत में जो बंदा आए तो उसमें बर्दाश्त बहुत होनी चाहिए और लोगों से मिलकर वो खुश हो, ना कि उनसे उलझे या उनसे चिड़चिड़ा हो। तो मैं तो हर एक के साथ, मुझे एक टाइम पर अगर 500 आदमी भी कहते हैं ना सेल्फी बनाने तो मैं सबके साथ खड़े होकर बनाता हूं। अच्छा इस बात की तो वैसे मैं भी मतलब विटनेस हूं बिल्कुल, कि मैंने इन्हें कॉल की, आधी कॉल में मेरा फोन उठा लिया, मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब एक बंदा इतना बिजी है, इतना एक्टिव है और उसने मतलब मेरा फौरन फोन उठा लिया। खैर थैंक यू सो मच कि आपने मतलब हम लोगों का फोन फॉरन उठाया और टाइम भी अपना दिया और सबके लिए ऐसा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आप सिर्फ मीडिया वालों के लिए नहीं, आगे पीछे भी जितने लोग हैं वो आपसे बहुत खुश भी हैं, और यहाँ पे बल्कि मैंने शुरू में भी बात की थी कि आप इतने सोशल हैं कि जहाँ पे जाते हैं आप नज़र ज़रूर आते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपने टाइम में सब किसी को खुश रख पाएं। यूजली ऐसे होता है कोई ना कोई आपसे नाराज जरूर हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल जो आपके बारे में पर्सपेक्टिव है, बच्चे नाराज है। मेरी बेगम नाराज इसलिए आ जाई नहीं। कामरान भाई लास्ट टाइम छुट्टियां मनाने कहां गए थे? जाते हैं? हां जाते हैं। मेरा सेकंड होम जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो तुर्किया में इस्तांबुल शहर, माय फेवरेट टू, मैं साल में 4 दफा भी जाता हूं, लेकिन अभी भी गया था। हां बहुत मजा था ना, जो फूड लवर्स हैं ना वो इस्तांबुल नहीं भूल सकते। मैं बहुत जाता हूँ। बच्चे जो हैं वो भी ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। अनुषे को कौन सा मुल्क वैसे पसंद है? टर्की बहुत ज़्यादा। टर्की जाते हैं तो मलेशिया। ओके अच्छा, मलेशिया में क्या पसंद है? वहाँ पे जाके क्या करते हो? शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग का शौक होता है। अच्छा यूजली कल भी बल्कि एक मैं क्लिप भी देख रहा था, उसमें वो छोटी सी बच्ची होती है, वो कह रही होती है कि आज मैं, वो शो पे आती है तो वो कहती है कि आज मैंने नए कपड़े लिए हैं, तो वो जो होस्ट है वो पूछता है कि आपके पास पहनने के लिए क्या घर में कुछ नहीं है? कहते हैं दो कबर्ड हैं लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा ही होता है। हाँ बहुत सी शॉपिंग करते हो? मुझे शॉपिंग कपड़ों की ज़्यादा नहीं, आई प्रेफर टू बाय बैग्स। अच्छा ओके, और ज़ैद को क्या पसंद है? शॉपिंग पसंद है तो क्या करते हो? ज़ैद का सारा फोकस है खाने पीने का शौक। खाने पीने का शौक है। क्या शौक से खाते हो? बिरयानी बता चुका बिल्कुल। अच्छा कराची वाले सारे बिरयानी के दीवाने हैं, और लाहौर वालों का मजाक उड़ाते हैं कि वो पुलाव को भी बिरयानी कहते हैं। तो मैं कहा ना अजिस्तान में क्या है, बाहर लोग वहाँ पे बाहर लोग खाते हैं, वही खाते हैं। मैं क्या है? तो उसने कहा कि सर बिरयानी है। तो मैं कहा नहीं तो पुलाव है। अच्छा मुझे ये बताओ कैसा लगता है जब बाहर आप जाते हो ईटिंग आउट के लिए, बाबा के साथ जाते हो, लोग मिलते हैं आपको, खुश होकर मिलते होंगे, पहचानते हैं बाबा से, मतलब जब मिलते हैं कैसा लगता है? और दोस्तों में स्वैग है, लाइक एज इन के माय डैड इज अ गवर्नर, हां यू स्टे आउट, कुछ लोग जेलस होते हैं। अच्छा अच्छा कौन बेस्ट फ्रेंड कौन है और कौन सा जेलस फ्रेंड है? गवर्नर बनने साल वो समझ रहे हैं कि मैं फास्ट गवर्नर बन गया तो और दोस्त बन जाएंगे। अब तो लोगों ने लाइक अनफ्रेंड कर दिया मुझे। कौन होता जेलस ही? हां Don't tell me. मुझे बस ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, मैं तो कह रही हूँ उनको मेयर बनना चाहिए। मेरे अबू नहीं है ना, वो बेसिक तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे बच्चे होते हैं ना आपस में वो कर रहे होते हैं कि यार। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड मेरा पुराने स्कूल में थे, अब तो मैं उससे स्विच कर लिया, पर मेरे पहले दोस्त अभी नए दोस्त नहीं बनाए हैं। मेरे एक ही बेस्ट फ्रेंड है, मिलते हैं वो आते हैं। अच्छा खाना जनाब मजे का है, बातें भी बड़ी मजे मजे की हो रही हैं। मुझे आप बताइएगा ज़ैद आपको कौन सी कंट्री पसंद है?
मैं तो आउट ऑफ कंट्री वापस बहुत गया और फेक ही तो हम जाते रहते हैं, बट एक जो हमारी ब्यूटी पाकिस्तान में ना वो कहीं कहाँ पे कौन सा शहर कौन सा है जिसको बहुत पसंद नॉर्दर्न एरियाज हमारे लिए कितने अंडररेटेड हैं। ट्रू दैट कौन सा वैसे वहाँ पे सवात नारायण कागान गिलगित कहाँ तक गए हुए? हम तो सवात गए और नारायण कागान गए। अच्छा बाय रोड मजा आता है? नारायण कागान में एक जगह फटाखा चिकन वहाँ मिलती है। अच्छा फटाखा चिकन वो मेरी फेवरेट है। अच्छा खाने पीने का शौकीन है ना, जहाँ पे जाएगा खाना जहाँ पे अच्छा होगा वो फेवरेट है। ओके मुझे बताओ बाय रोड जाते हो मजा आता है? रास्ते में बातें करते हो बाबा से खूब सारी, क्या क्या खाते हो? मुझे तो बहुत मजा आता है, पर मेरी बहन है ना वो वॉमिट करती रहती है। ओए अनुषे यहाँ पे वैसे कहाँ तक गए हो आप? ट्रैवल सिकनेस मुझे भी होती है। मैं भी वैसे आपको कौन सा शहर पसंद है पाकिस्तान में? कराची। अच्छा ओके अनुषे यार हम दोस्तों की बात कर रहे थे जैद के साथ, तो आपके कौन से दोस्त हैं जो कि सबसे अच्छी दोस्त हैं आपकी, और वो भी क्या जेलस होती हैं? लड़कियां होती बहुत अच्छी हैं। ऐसा ही है। अच्छा वैसे हम लोगों ने सुना यही है, बल्कि हमारे यहाँ ऑफिस में भी ऐसा है कि लड़कियां जो है ना एक दूसरे से बहुत जेलस होती हैं, या तो वो बड़े होके हो जाती हैं या अभी आप में लाइक आगे पीछे जो दोस्त हैं वो आपको लाइक यू नो अच्छे कपड़े पहन के देखते हुए या आपको अच्छी गाड़ी में जाते हुए या योर डैड इज अ गवर्नर तो वो चीज़ को देखते हुए कि जेलस नहीं होती है? मैंने अभी स्कूल शिफ्ट किया ना लाइक एक दो महीने पहले, तो मेरा पुराना स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था। अच्छा तो वी हैड लाइक फुल यूनिफॉर्म ऐसे कुछ था नहीं, तो लाइक नोबडी रियली गॉट जेलस। ओके तो आपको मैं एक बात बताऊं कामरान, इन सब बातों से हटके जो खास बात है वो ये है कि जब पता हो कि इनके फादर गवर्नर है तो लोग बहुत सारे काम बोलते हैं, यार अपने बाबा को बोलो ना मेरी मामा कह रही थी ये वाला काम करवा दें, ये काम नहीं हो रहा, कुछ ऐसा होता है? अभी तक भी किसी ने ये किसी को बताते नहीं कि इनके फादर गवर्नर है। अच्छा मेरी माँ भी ना प्रिंसिपल रही है, प्लीज है नमस्कार होती ना जब होती थी तो सबके काम करते रहे हो आप शुरू शुरू में जब करते हो जब नहीं करते हो तब सॉरी लोग नाराज भी होते थे जब इनके काम होते नहीं थे। अब उसके बाद मैं गई नहीं उनसे मिलने। और व्लॉगिंग के हवाले से थोड़ा बता रहा YouTube पे किस तरह की वीडियोस बना रहे हो और रिटर्न कैसे आ रहा है, एज इन के जब वीडियो बनाते हो तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं? आपको अप्रिशिएट करते हैं ज्यादा लोग या फिर ज्यादा कहते हैं क्यों बना रही है? हाँ लोग गुस्सा होते हैं आपको पता है कि वो फिर लाइक हेट करना शुरू कर जाते हैं। अगर मैं कोई नॉर्मल बंदा होता आपको पता है नहीं करते okay. मैं गवर्नर का बेटा हूँ ना मैं तो मेरी गलती तो नहीं है ना तो वो कमेंट करते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे तो वो बहुत करते हैं okay. लोग तो अपने तौर पर वो मेहनत कर रहा है भाई तभी उसका यूट्यूब चल रहा है, आप लोग वीडियोस पर देख क्यों रहे हैं आप देखे ही ना। लेकिन खैर ये आपको पता है मैं हेटर्स को भी अप्रिशिएट करता हूं, मैं वीडियो देख की वजह से चल रहा है, इतने पॉजिटिव है तो बेटा भी पॉजिटिव है। खाना हम खा चुके हैं मेरा ख्याल है कि अब हम चलते हैं, हमें टूर भी करना है। इससे पूछ रहे हैं इसको कौन से गेम्स पसंद है? तैमूर थोड़ा ऊपर कौन से गेम्स पसंद है? Roblox? हाँ, ये Roblox. एक सेकंड में फेस दिखा दो। यहाँ पे खाना बड़ा जबरदस्त चल रहा है और मैं चाह रही हूँ कि हम तो खाना खा रहे हैं आपको बोल के जायके में ले चलते हैं। मास्टर क्या बना रहे हैं आइए चलते हैं। बोल के जायके इज पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक एंड तो फिर चलती रहे तुम मैं और एक कप चाय टपाल दानेदार। वेलकम टू बोल के जायके और आपको मेरी तरफ से ढेरों ईद मुबारक, दिली ईद मुबारक और शेफ असद आपको भी ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और जनाब ऐसे कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और हम आपको ये ना बताएं कि आज आपने मेहमानों की तवाजो किस चीज से करनी है। तो बड़ी क्विक सी जबरदस्ती रेसिपीज लेके शेफ असद मेरे साथ आए हैं बोल के जायके में। तो जनाब मुझे ये बताइएगा आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आज ईद का पहला दिन मीठा भी बनेगा और नमकीन भी बनेगा। और नमकीन में मैंने सोचा आज क्यों ना कुछ थोड़ा सा काफ्ता कबाब स्टाइल में आपको काफ्ता कबाब। ओके तो काफ्ता कबाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसके साथ सेकेंड जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे फालूदा, जो कि बहुत लोग समझते हैं बड़ा लंबा काम है, क्या कौन फालूदे की समझ बाहर से ही खाते हैं घर में नहीं बनाते। तो
तो आज मैंने सोचा इंस्टेंट फालूदा जिसमें कोई कुकिंग नहीं है, फटाफट से बस चीजें मिक्स करेंगे। इंस्टेंट फालूदा ये भी जनाब अब घर में बनेगा, तो जल्दी से आप लोग अपनी डायरी निकाल लें जिसमें आप रेसिपीज नोट करते हैं, तो आपको ताकि जब बनाने लगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम काफ्ता कबाब की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, काफ्ता कबाब के लिए हमने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया हुआ है, ठीक है, और चिकन के कीमे में अब हम सारी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसमें मैं अब डालूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया मौजूद है, सही, ये हम डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैं डालूंगा थोड़े से प्याज डालेंगे, ठीक है। और चाय आपकी ठंडी हो रही है, चाय हम लोगों की चलती रहती है, बातें होती रहती हैं, और ईद का त्यौहार हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि चाय साथ ना हो। तो चाय, यू नो, इट्स ऑल अबाउट चाय, फिर ही मजा आता है। और इसमें साथ ही मुझे चाहिए यहाँ पर गार्लिक जो है उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अनियन हमने इसी तरह चॉप करके डाला है, लहसुन को आपने फ्राई कर लिया, ठीक है। काफ्ता कबाब में बेसिकली इसका जो है ना बहुत ज्यादा अहम कह लें कि फ्लेवर है, तो इसको आपने इस तरह फ्राई करके थोड़े छोटे छोटे से चंक्स इसमें ऐड करने हैं, सही। और उसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे होल क्यूमिन यानी कि जीरा, ठीक है। अच्छा, इतनी मजे की चाय है, हम लोग इससे पहले भी एक कप चाय ये पी चुके हैं कि तपाल दानेदार की जो खुशबू होती है ना वो इतनी मजेदार है कि वो खुशबू से ही आपको, मतलब आप एंजॉय करने लगते हैं अपने चाय के कप को, इसीलिए आप बार बार चाय मंगाते हैं। मैं इसलिए बार बार चाय मंगवाती हूँ, और मैं बार बार ये कहती हूँ क्यों ना बातें तो चलती रहेंगी, क्यों ना एक और कप हो जाए। बिल्कुल, और एक जुमला तो वैसे ही बड़ा खास है, तुम, मैं और एक कप चाय। और इस साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, और अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमारे काफ्ता कबाब की चीज़ें हो गई रेडी। और एक चीज़ इसमें कमी है, और वो क्या है, ये मिंट पुदीना, इसको भी हमने थोड़े छोटे छोटे से, सही। और क्या मजे की खुशबू आएगी इसे खाते हुए, क्योंकि इसमें अनियन भी है, इसमें गार्लिक भी है, फिर इसमें आपने जनाब पुदीना भी डाल दिया, धनिया भी है, धनिया भी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और सबसे अच्छा जो मजेदार इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किया है वो है फ्राई किया हुआ गार्लिक। फ्राई किया हुआ, अच्छा ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी रेसिपी में, ऑलरेडी फ्राइड गार्लिक आपने यूज किया, वरना आमतौर पर तड़का लगता है या ऊपर से फ्राई करके डाला जाता है, कच्चा डाल के इसको भूना जाता है। बिल्कुल, और अब इसको हमने क्या करना है, इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, इसके हम कबाब बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक इंग्रेडिएंट्स की कमी है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, वो है हमारे पास पेपरिका, ठीक है, पेपरिका पाउडर जो है वो इस वक्त हमने ऐड नहीं दिया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, और ये जनाब ऐसी रेसिपी है काफ्ता कबाब कि इसको आप पहले से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि ईद पे आपको प्रॉब्लम ना हो, और फौरी तौर पर बस निकाला और रेसिपी को, जो कि ऑलरेडी हाफ डन होगी जब ये बने होंगे तो आप जल्दी से बना लेंगे। बिल्कुल, अच्छा आपको थोड़ी सी ज़हमत दूंगा, जी जी क्यों नहीं, मुझे ये थोड़ा सा ऑयल इसमें ड्रॉप कर, अच्छा मैं इसमें ड्रॉप कर देता हूँ, ओके जी। अच्छा, इसमें ऑयल डालेंगे तो नरम हो जाएगा ये, ऐसा बस बहुत, काफ्ता कबाब हम तो इसको चूल्हे पे मैं डन करूंगा, वैसे ये जो है नॉर्मली सीखों पे इसको लगा के आप बारबेक्यू करते हैं, तो कोई भी आप बारबेक्यू कर रहे हैं, बिहारी कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, वॉट एवर जो भी, तो उसके हमेशा उसके मसाले में आप घी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, बिल्कुल, ताकि वो उसका फ्लेवर्स उसके अच्छे से आए, सही। और जनाब मेहमानों की आमद का सिलसिला आपके यहाँ भी जारी होगा, आ रहे होंगे सब लोग आपको मिलने के लिए, और ईद का पहला दिन ऐसा ही होता है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तो ऐसे में दोपहर में तो हमारी कोशिश होती है कि हम जनाब कुछ ठंडा पेश करें अपने मेहमानों के आगे। तो ये रहा रूह अफ़ज़ा, जो कि तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद हो चुका है इस ब्रांड को, और क्या प्यारी खुशबू आती है इसमें गुलाब की पत्तियों की, जब बर्फ़ डाल के इसको पेश किया जाता है तो रिफ्रेशिंग सा एक ठंडा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है, जो कि गर्मी को बिल्कुल दूर कर देता है। तो आप इससे जनाब तवाज़ो करें दोपहर में आने वाले मेहमानों की, और वो बहुत रिफ़्रेश फील करेंगे, और फिर अच्छी अच्छी बातें होंगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं ईद के पहले दिन, आपको पता ही है, आपके भी पहले दिन आते हैं आप जाते हैं? पहले दिन हमारे यहाँ कभी आते हैं कभी हम जाते हैं, सही, तो डिपेंड के इनविटेशन पहले ये डिपेंड करता है कौन पहले आ गया और कौन बाद में गया, तो समटाइम खवातीन को तैयारी करने में टाइम लग जाता है,
फिर वो तैयारियां तो उनकी हो चुकी होती है लेकिन मेहमान उनको मौका नहीं देते कि वो कहीं निकल के जा सके। और लेकिन इसीलिए आप देख रहे हैं मैं बहुत शॉर्ट रेसिपीज बता रहा हूँ बिल्कुल, ताकि जो लेडीज हैं उनको पूरा मौका मिले तैयार होके घूमने फिरने घूमने फिरने का। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने ऑयल ड्रॉप किया है जस्ट, आप क्यों कह लें कि सही ठीक है जनाब। और हम लोगों की तपाल दानेदार की चाय की चुस्कियाँ भी जारी हैं और इसके साथ साथ हमारी रेसिपीज भी चल रही हैं और आपको अच्छा, यकीनी तौर पर मज़ा आ रहा होगा हमारे सेगमेंट में हमारे साथ। अच्छा ये आप हाथों पे लगाएंगे ताकि कबाब चिपके ना। जी ये थोड़ा सा मैं ग्रीस कर रहा हूँ और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। ये आप अंदाजा लगा लें नफासत जो नजर आ रही है साथ साथ सफाई और बड़े तरीके के साथ ये बना रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कुछ मेस क्रिएट नहीं किया, ख्याल रख रहे हैं चीजों का क्योंकि जेंट्स काम कर रहे हैं। अच्छा ये मत करें आप खवातीन के साथ ये ज्यादा ना करें, कुछ खवातीन बड़ी सलीका मंद होती है। बिल्कुल देखें असल में मैं यूँ कहता हूँ खवातीन को ज्यादा क्रेडिट जाता है बिकॉज वो उनको पूरा घर भी देखना है, किसी के कपड़े भी सिलने हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो सब खातून जो हैं वो भी देख रही हैं। ये मर्द हजरात सिर्फ एक खाना बनाते हैं बाकी सारे काम खवातीन उनके मैनेज कर रही होती हैं। हाँ जो बनाने वाले हैं मैं तो भाई सच्ची बात करूँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी अब ये ऑयल जो है ये गर्म हो जाएगा तो आप इसमें हल्का सा इसको गर्म करना है ऑयल को और इसमें हम काफ्ता कबाब। अच्छा काफ्ता कबाब को आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और आजकल अवन में बना लें एयर फ्रायर, हाँ अवन में बेक भी कर सकते हैं सही ठीक है। और अब इस वक्त क्योंकि आपको पता है ईद के दिन है गेस्ट आना जाना तो हमारे पास कोई वो नहीं है इसकी वर्ड नहीं है। अच्छा ये मटर आप कब डालेंगे? मटर ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। अच्छा इसके साथ सर्व करेंगे, इसके साथ हम सर्व करेंगे अलग। और चाय आपकी ठंडी हो रही है, चाय भी आपने पीनी है बिल्कुल जी, क्योंकि गपशप तो चलती रहेगी, टाइम का पता नहीं चल रहा तो ऐसे में हम फिर हमें एक और कप गर्म मंगवाना पड़ेगा। हाँ जी मैं भी ये कहने लगा था एक और कप मंगवा लेंगे सही, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। ठीक है एक कप से तो वैसे ही दिल नहीं भरता तो हम कहते हैं फिर एक और हो जाए, तो चाय तो पूरा दिन चलती रहती है, ईद का त्यौहार है सबका साथ में बैठना मिलना मिलाना बातें करना तो चाय उस मजे को दोबारा कर देती है। चाय फिर हो तपाल दानेदार की तो फिर क्या ही बात है जनाब, इसकी तो खुशबू एक अलग सी है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा आपको मतलब आप कुकिंग करते हैं? जी मुझे बिल्कुल कुकिंग का बहुत शौक है और मैंने बहुत दफा जला जला के फिर सीखा है तो अब मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो सबसे ज्यादा क्या जलाया आप? मैंने सबसे ज्यादा क्या जलाया रोटियाँ। अच्छा रोटियाँ बहुत जलाई हैं, मुझे बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। उसके अलावा जो मैं अच्छा बनाती हूँ उसमें मैं आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो रोटी आप सीधे तवे पे यूज बनाती हैं? सीधे तवे पे, उल्टे तवे पे मुझसे नहीं बनती, नहीं बनती। और आलू गोश्त मैं सबसे अच्छा बनाती हूँ, चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ और पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। हालांकि और कैमरा मैन मुझे कह रहे हैं कि हमने तो कभी खाया नहीं है तो इसलिए हम तो कुछ कह नहीं सकते, तो जनाब किसी दिन मौका लगा तो आपको भी खिलाऊंगी। नहीं आलू गोश्त बड़ा टेक्निकल है वैसे तो कहने को, तो हम कहते हैं फिर आलू गोश्त बना दिया। नहीं उसमें पता है आपको जो बैलेंस होता है ना प्याज और टमाटरों का नजर ना आए, नहीं और नजर ना आए और उसका बैलेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज ये होता है कि वो गदला सा बनता है या फिर वो मीठा बहुत हो जाता है या वो खट्टा बहुत हो जाता है। सही है। और पहले जब शेफ्स किसी मतलब आप कह लें कि फोर्सेस में या वहाँ तो आलू गोश्त ही बना के उसे ट्राई ली जाती थी। अच्छा मतलब फिर इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आलू गोश्त के अंदर आप गरम मसाले की भी ज्यादती कर देना तो कुछ चीज़ अगर डोमिनेट कर जाए तो उसका सारा जायका ख़राब हो जाता है। शुरू में जब मैंने नया नया बनाना शुरू किया था तो कभी मेरे से बादियान का फूल ज़्यादा डल जाता था तो लगता था। अच्छा आप वो वाला देगी आलू गोश्त बनाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल जो आलू गोश्त है उसमें ज़रा ये चीज़ें नहीं डलती ना। हाँ जी सही। चलिए जी काफ्ता कबाब भी हमारे पास तैयार हैं, बस इसको हम फ्राई करेंगे सही और हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और वो बनेगा हमारा जनाब फालूदा, इंस्टेंट फालूदा। बिल्कुल तो ये अगर आप देख रहे हैं ईद का दिन है तो जनाब आपने बच्चों के लिए बनाना है इंस्टेंट फालूदा और बच्चे भी जाहिर है फिर नेक्स्ट टाइम यही कहेंगे कि अगर हम जाएंगे उनके यहाँ तो इंस्टेंट फालूदा जरूर खाएंगे। और फालूदे का बस ये है कि आपने सुबह सुबह बना के रख दीजिए खूब अच्छे से ठंडा हो। अच्छा किसी एग वगैरह में डिप नहीं करना है, इसको ऐसे फ्राई कर लेना है? कुछ भी नहीं। ठीक है तो फिर तो बड़ा आसान है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई भी नहीं करना। सही चले जी ये हमारे जनाब काफ्ता कबाब जो है जी वो अब रेडी हो चुके हैं तो आप इसको सर्व करें डिश में मतलब डिश आउट करके तो फिर हम इंस्टेंट फालूदा की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक काम और करूंगा जी, वो ये कि अब अभी आप देख रहे हैं ये बस ये डन हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास मटर बॉयल है हाँ। और आलू भी बॉयल सही,
ठीक है? ठीक है। और इसको मैं हल्का सा सीजनिंग करूँगा मेरे पास ब्लैक पेपर। और उसके साथ हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, सही है? तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, चिकन के साथ, प्रोटीन के साथ वेजिटेबल्स भी आपको खाने को मिलेंगे इस डिश में, बहुत अच्छा लग रहा है। मिंट, चले अब मैं इसको जरा उधर ले जाऊं पहले, ठीक है? अब इसको, वेरी गुड। ये टेक्निक जो है ना, ये ऐसे फ्राइंग पैन हिलाने वाली, ये शेफ्स के पास ही होती है। घर में अगर हम करने की कोशिश करें तो समटाइम गिर जाता है। चलिए ठीक है जी, हमारे पास डिश तैयार है और अब इसको हम सर्व करेंगे बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इंस्टेंट फालूदा बना लेते हैं क्योंकि टाइम अब हमारे पास काफी कम है। बिल्कुल, वो तो फटाफट बस हमने मिक्स करनी है चीजें और उसको डन करना है, बस इसकी हम जरा सा सही सेटिंग कर दें। चलिए चलिए जबरदस्त, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टेंट फालूदा के पास। अच्छा, अब इंस्टेंट फालूदा के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फटाफट काम शुरू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कॉकटेल, ठीक है? ठीक है, कॉकटेल मौजूद है। अब कॉकटेल में हम शामिल करेंगे, मेरे पास यहाँ मौजूद है क्रीम, सही। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं ग्लास ले लूं क्योंकि इंस्टेंट है तो हम साथ साथ काम करेंगे, ठीक है? चाय हमारी ठंडी हो रही है, जैसे ही काम खत्म होगा तो हम एक और कप मंगवाएंगे ताकि आप फिर आराम से बैठ के बातें भी कर सकें। और ये जो आज हमने बनाया है ये मैं तो खाऊंगी, तो आप भी अपने किचन में ट्राई करें ताकि आप भी खा सकें, आपको पता चले ये रेसिपी कैसी थी। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हमने कॉकटेल नीचे डाल दिया, ठीक है? ठीक है। अच्छा, वैसे मैं इसको मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आप साथ साथ बनाएं। श्योर। आके मैं बताऊं कि ये आप ये जो हमारे काफ्ता कबाब हैं, जी जी, ये कैसे बने हैं। बिल्कुल, ये अच्छा, ये आप साथ में इसमें जेलीज डाल रहे हैं जी। ये मैम मुरब्बा, ठीक है, जिसको अशरफी कहते हैं। जो मिंट का टेक्सचर आ रहा है ना, ऑसम, मजेदार, ठीक है। अच्छा, साथ इसमें हमने नट्स डाल दिए थोड़े, सही, डाउन, वेरी टेस्टी, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम डालते हैं इसमें सवैया, पास्ता सवैया, कलरफुल, और अगर फालूदा सवैया है आपके पास तो आप फालूदा सवैया ले लें, बहुत सारे लोग। अच्छा, आपने थोड़ी सी इसको आपने कुक किया है? मैंने इसको बॉईल करके रखा है। जी हाँ, बॉईल करके रखा हुआ है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। बहुत मजे के कबाब हैं ये, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्रीम मैंने ऐड कर दी थी, क्रीम में ही मैं इसमें ऐड करूंगा ये कंडेंस मिल्क, ठीक है? इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, इंस्टेंट फालूदा। और ये जो हमारे पास आइसक्रीम जो हम डालते हैं, आइसक्रीम की जगह हमने ये आप कह रहे हैं कि आइसक्रीम डाली, जी हाँ, हमने डन किया है और अब हम इसको सर्व कर देंगे, इस पे पोर करेंगे, ठीक है? और इसके साथ क्योंकि फालूदा बन रहा है और रूह अफजा जो है वो आप इस पे पोर कीजिए। हाँ जी, रूह अफजा के बगैर तो फालूदा का मजा ही का नहीं, मजा आता। नहीं आता। रिफ्रेशिंग ड्रिंक तभी बनता है जब इसमें फालूदा जाता है, फालूदा मतलब अब कह रही हूँ रूह अफजा जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल आसान, और जब आप खाएंगे तो आप शेफ असद के हाथ में बहुत जायका है। मैंने अभी ये कबाब खाए हैं काफी टाइम के बाद, इससे पहले भी मैंने इनके साथ एक दो चैनल्स पे हम लोग थे साथ, लेकिन आज वो मुझे याद आ गया कि वो जायका जो है बरकरार है, तो मुझे बहुत मजा आया। ये अच्छा था, जायका बरकरार है। चलें,
अच्छा, अब अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा नट्स डाल देंगे। सही, ठीक है, सॉरी नट्स तो डालेंगे, ये जेली डालेंगे। मुरब्बा जो है जी, अशरफियाँ भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मुरब्बा कहते हैं, आप चाहें तो जेली भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये नट्स। ठीक है जी, और हमारे पास थोड़ा सा हम रूह अफजा डालना चाहें तो जी जी बिल्कुल, आप रूह अफजा डाल सकते हैं। ये रहा रूह अफजा, ठीक है, इसको हम खोल के डाल देते हैं। रूह अफजा के बगैर तो जनाब रमजान में रौनक ही नहीं होती, तो दस्तरखान की जीनत है, इससे रौनक होती है। हमारे दस्तरखान के बच्चे तो अफ्तार शुरू ही रूह अफजा से करते हैं। मेरा भी यही हाल है कि रूह अफजा जो है अफ्तारी में लाजमी होना चाहिए। सही, चलिए चलिए, रूह अफजा ठीक हो गया। यम्मी सा ये हमारे पास। सही, इंस्टेंट फालूदा। चलिए, तो इस तरह जनाब हमारी दोनों रेसिपीज अब डन हो चुकी हैं। अब आपने लाजमी अपने घर पर ट्राई करनी है, और ईद की खुशियों में हमें याद रखना है, दुआएं देनी है, क्योंकि हमने शेफ असद को इनवाइट किया और उन्होंने दोनों रेसिपीज़ मज़े की, क्विक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। और मेहमानों की तवाज़ो कीजिए, हमें याद रखिए। और कैमरामैन आप एक दफ़ा दिखा दें कि हमारी इन रेसिपीज़ की शक्ल बनने के बाद क्या है। एक तो था जनाब हमारे ये काफ्ता कबाब, और दूसरा हमारा इंस्टेंट फालूदा जो कि इस वक्त रेडी हो चुका है, और अभी हम इसको नोश फरमाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी चाय चल रही थी, तो बातें भी चलती रहेंगी, चाय भी चलती रहेगी, लेकिन जब हम खाएंगे बैठ के तो आपको बताएंगे ज़रूर। वैसे मैंने तो चख भी लिया है, बहुत मज़े का है। तो ये बाकी सबकी मौज हो गई है, जो इस वक्त हमारी टीम के बाकी लोग हैं उनकी मौज हो गई है। तो मुझे और शेफ असद को इजाज़त दीजिए, एक बार फिर से आपको ईद की दिली मुबारकबाद, और हमें इन खुशियों में आपने याद रखना है, अपना फीडबैक देना है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू दुनिया बोल है ईद स्पेशल। और जनाब आपको पता है छोटी ईद जब होती है तो मज़ा आता है मिलने मिलाने में, साथ में घूमने फिरने में, सेलिब्रेट करने में, इंजॉय करने में। तो ऐसे में सिनेमा घरों का रुख भी किया जाता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और जहाँ खाने पीने की बात आई है वहाँ पर यहाँ शीर खुरमा भी जो है वो अभी तक सजा हुआ है। इस पर ईद का पहला दिन है, क्यों ना शीर खुरमा सजाओ। हम तो तीनों दिन खाते हैं। हाँ, हम बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, हम तीनों दिन शीर खुरमा खा लेते हैं। और मेरी बात सुने, मैं किचन से आ रही हूँ और मैं बना के लाई हूँ। मैं इसी वजह से नहीं, ये काफ्ता कबाब। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे होंगे यकीन। ये काफ्ता कबाब है, बहुत मजे के, आप अभी खाइएगा। ये काफ्ता कबाब, ये काफ्ता कबाब, काफ्ता जी, और उसके साथ ये शीर खुरमा है। जबरदस्त। इससे पहले कि हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो इससे बुरा मना जाए, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनका तारुफ करा दें। जैसे कि सारिश ने बताया कि जी लोग सिनेमा घरों का जो है वो रुख कर रहे हैं, बल्कि एडवांस बुकिंग हो चली है। और उसी बुकिंग में से हमने भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर मधु कर लिया है सारिश, जिनकी फिल्म ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर होने वाली है बल्कि वो तकरीबन यहाँ सिनेमा घरों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाली है। बिल्कुल, फिल्म का नाम है दौड़। तो हाँ। दौड़ मूवी है, और मूवी कैसी है ये बताएंगे असद हमें, जो हमारे साथ मौजूद है, और उनकी अहलिया सारा असद भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, इतना खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ड्रेस का कलर। तो फिल्म की कुछ सीन की बातें शुरू हो जाएंगी। असद मियां इसे छोड़ें, ये बताएं भाई फिल्म आ रही है आपकी, नदीम चीमा साहब ने बड़ी बेहतरीन फिल्म बनाई है, पाकिस्तान में भी शूट हुई है, नॉर्दर्न एरियाज में भी शूट हुई है, लंदन जो है वो इस फिल्म में ट्रैवल किया है, यानी एक हैवी बजट मूवी है। तो मुझे ये बताइए कि स्टोरी आप डेफिनेटली पूरी तो बताएंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी सी कहानी किस तरफ घूम रही है, रोमांटिक है, रोम कॉम है, या एक्शन है, थ्रिलर है, क्या है? ऑक्टेन एक्शन है, मैं बता देती हूँ आपको जो मैंने सुना है। अच्छा, फिल्म की जो कहानी, आप एक्टिंग भी आप ही कर लेते हैं थोड़ा हीरो से तो सुने नहीं, वो तो सुनेंगे लाजमी जी। फिल्म की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि स्टूडेंट है एमए का, और वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि एक गैंग्स का ग्रुप है, फिर वो उसकी ज़िंदगी और मौत की दौड़ है उनके साथ। okay. और फिल्म हमारी स्टार्ट होती है अंदरून लाहौर से स्टार्ट होती है, और वहाँ से फिर वो ट्रैवल करती हुई जीटी रोड के थ्रू नॉर्दर्न एरियाज में जाके और फिर जंगलात में जाके ख़त्म होती है। अच्छा, एक जर्नी है, यानी एक जर्नी है प्रॉपर। और इस फिल्म की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो ये है, इसके जो राइटर हैं वो डायरेक्टर नदीम चीमा साहब हैं, प्रोड्यूसर असलम हसन साहब हैं, और राइटर हैं कामरान रफीक साहब। अच्छा जी, इस फिल्म की जो कहानी है, जो कंटेंट है, इसका हमने बहुत ख़ास ख्याल रखा है स्क्रीन प्ले का, खास तौर पे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि फिल्म हो, ड्रामा हो, कोई भी चीज़ हो, कंटेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। सी बात है, कंटेंट इसके। अच्छा, कोई सोशल मैसेज भी है या फिर ये बस सोशल मैसेज है? सोशल मैसेज है, वो ये है कि जरायम खत्म हो जाता है और जो सच है उसकी जीत होती है, सच की जीत हो रही है। और इसमें मौला अली की मनकबत है पूरी, जो कि फाइट के सीक्वेंसेस पे पूरी शूट की गई है, जबरदस्त पूरी। असल में हमने मैसेज
हमने कुरानी आयात भी हैं फिल्म में, वो भी हमने यूज़ की हैं। जब भी आपने इस्लाह करनी होती है तो हम अपनी ही किताबों से इस्लाह करते हैं। और हमारे सामने जो है वो कुरान पाक से ज्यादा अच्छी इस्लाह के लिए जो है वो कोई हमारे सामने चीज मौजूद कोई किताब हो ही नहीं सकती। आपने यही चीज देखी जब आपने इसको अपने लिए चूज किया स्क्रिप्ट को, आपको करना चाहिए? जी, मैंने स्क्रिप्ट जब इसका सुना था, पढ़ा मैंने बाद में, पहले मैंने डायरेक्टर साहब से सुना, तो उन्होंने सुनाया इतना अच्छा कि मैंने कहा यार ये सुना इतना अच्छा रहे तो शूट कितना अच्छा करेंगे। थोड़ा मैं हुआ कि कहानी सुनाई बहुत अच्छी जाती, शूट अच्छी नहीं की जाती। Exactly, लेकिन जब मैं सेट पे गया तो जितनी अच्छी कहानी उन्होंने सुनाई थी उससे ज्यादा अच्छी शूट की। एक सवाल यहाँ पर बनता है पूछने के लिए, भाभी देखिए सेट हमारा कितना प्यारा है, हीरोइन का नाम पहले बता दिया था उन्होंने स्टोरी सुनाते हुए, जो आपने हाँ भरने के अंदर कोई 10-15% तो शामिल होगा ना? नहीं, हीरोइन का नाम तो मुझे तो अभी तो बता दे, ऐसे सवालात नहीं करें आप। हीरोइन, हीरोइन जो है वो उरूज इसमें जो है आपके साथ को एक्ट्रेस है और वो आज हमारे साथ सेट पर मौजूद नहीं है, भाभी है। असल में हीरोइन तो यही है ना मेरी, असल हाँ वही हम यही जानना चाह रहे थे। मैं एक मिनट रुक जाए आप वहीं, आप ऐसे कैसे? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था भाभी कितने ठरकी है यार असल लाइफ में, जो आपने इन्हें सेट पे हीरोइन को भी नहीं ला लिया साथ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे मुझे सारा भी मेरी बात सुने इधर, फहीम साहब टॉप मॉडल है सारा, तो तभी वो उनकी लाइफ की हीरोइन है, और वो कैसे हो सकता है कि आप अपनी वाली हरकतें ना उनसे मत पूछे आप। मैं अपनी आप तो बनता ही नहीं, बोला तो काटता कबाब बना के लाएंगे आप, अल्लाह माफ करे। अच्छा मुझे ये बताएगा आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है एज अ वाइफ? जाहिर है आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा, टाइम दे रहे होंगे फुल असद साहब अपनी फिल्म को, तो कैसा रहा ओवरऑल? थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब पता हो कि आपका पार्टनर कामयाब हो रहा है तो आई थिंक इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई भी नहीं है। अच्छा आप अभी तक जो है वो अपने कैरियर को जो है वो लेके साथ चल रही है, मॉडलिंग चल रही है आपकी या शादी के बाद? बिल्कुल चल रही है, लेकिन थोड़ी कम इसलिए कर ली है क्योंकि घर को भी देखना होता है, उस हिसाब से सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबरदस्त, यानी आपकी शादी के कुछ अरसे बाद ही जो है वो कोविड आ गया था, तो आप ज्यादा जो है आप मुल्क से बाहर नहीं एंजॉय कर पाए होंगे। अभी जो लंदन का सीक्वेंस था, भाभी को साथ लेके गए थे या अकेले? अकेले नहीं नहीं मैं अकेला गया था। अच्छा ईद का दिन है, बात होगी बात। ईद का दिन है तो आप दोनों माशाल्लाह से, हमने इनसे स्पेशल टाइम लिया है क्योंकि ईद पे आपको पता है सभी बिजी होते हैं, मैं भी अभी किचन से अभी आई हूँ, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं आप लोग अपना? ईद का दिन आपको पता है ईद नमाज के लिए उठना होता है, उसके बाद फिर मैं तो थोड़ा टाइम सोता हूँ, खवातीन तो घर के कामों में चाहिए बहुत टाइम। मैंने कहा शायद थोड़े से गुजारा चल जाएगा, लेकिन उन्होंने सच बता दिया। असल में चांद रात घूमते रहते हैं सारे लड़के, आपको पता मार्केट चीजें, घर के भी काम होते हैं, दोस्त भी होते हैं, तो फिर कोशिश होती है कि नींद पूरी हो जाए। लड़कियां भी होती है मार्केट में, फोंडी कहते हैं उसे। मैं तो अपनी बेगम के साथ जाता हूँ। मैं भी अपनी बेगम के साथ ही जाता हूँ, लेकिन जब बेगम मेहंदी लगवाने चली जाती है तो फिर तो हम कल्ले ही कल्ले। अब या तो बेगमात को हम पे इतना भरोसा हो कि हम उसमें कायम रह सके। फहीम की जो बेगम है, अगर वो ये प्रोग्राम अभी देख रही है, तो आप मेहंदी लगवाने जब जाएं तो बच्चे इनके पास छोड़ के जाया करें। मेहंदी तो उन्होंने कल गवर्नर हाउस से लगा ली ना, जहां से आप होकर आ रही हैं आज। गवर्नर भाई, हैशटैग गवर्नर भाई। बिल्कुल हाँ। चले अच्छा आप मुझे ये बताइएगा सारा, फिर क्या बनता क्या है ईद के दिन, कुछ बनाती हैं खास? शीर खुरमा बनता है खास तौर पे, वो इनको बहुत पसंद है। अच्छा, और उसके अलावा बिरयानी, तो ये हमारा शीर खुरमा भी बहुत मजे का है, आपने खाए बगैर नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल अपने रिस्क पर। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं यहाँ उर्दू वाला रिस्क है, ये रिस्क वो है जो ऊपर वाले ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है। अच्छा रिस्क दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का, तो अपने रिस्क से बातों में कोई नहीं जीत सकता। तो मुझे थोड़ी सी फिल्म के बारे में जी बिल्कुल, वो इस वक्त फिल्म की क्योंकि स्टोरी अच्छी है, कास्ट इतनी अच्छी है, एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, आई एम श्योर आइटम नंबर भी होगा, आइटम नंबर है ना, वो भी अच्छा होगा, पार्टी सॉन्ग टाइप है आइटम नंबर, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब लिमिट्स में रहते हुए आइटम, वो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में चला रहे हैं तो पाकिस्तानी आइटम सॉन्ग है। हम समझ गए किसने किया है, कोई स्पेशल अपीयरेंस है? नहीं, लड़की है सोहा, सोहा। अच्छा सोहा अली खान आई थिंक, सोहा अब्रो तो नहीं है? नहीं वो नहीं है, सोहा सोहा अली खान, ओके शी इज फ्रॉम लाहौर बेसिकली। अच्छा अच्छा सोहा, और आप हैं उनके साथ? मैं नहीं हूँ, असल में वो विलन्स पे है, उसमें सलीम महराज हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि शो से जब जाएं तो आपस में झगड़ा करते हुए जाएं? हीरो बनके क्या किया? नहीं मैं हीरो में ठीक हूँ। नहीं वहीं आप क्या चाह रहे हैं कि आपस में झगड़ा करते हुए जाएं हमारे शो से? जी नहीं ऐसा नहीं, वो देखिए मोर लाइक फ्रेंड्स, प्रोफेशनल लाइफ में है वो दोनों, वो मॉडलिंग में है, ये एक्टिंग में है, ऐसा हर किसी के घर में ऐसे ही तरीके से आते हैं। लेकिन लेकिन आपने मेरे घर में ऐसा कब देखा? लेकिन आइटम नंबर के सेट पे जरूर मौजूद, आप हम मौजूद, मैं देख रहा था मॉनिटर पे बैठ के डायरेक्टर साहब के साथ। बस फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये फिल्म जो है ये आज इसकी टिकट्स आज तो नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, तो ये इस वीकेंड पे तो हाउसफुल जा रही है। अब हमें जब अगले वीकेंड पे देखना होगा तो टिकट खरीद के देखनी है या आपसे मंगवा सकते हैं? जैसे आप कहेंगे।
फहीम आपने मतलब कहीं ना कहीं मुफ्ता जरूर लगाना होता है कि आपसे मंगवा लेते हैं, मतलब क्यों काफ्ता लगाएं हम मुफ्ता ना लगाएं। नहीं हम मैं पता है क्या नादरीन, आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, जितने भी आपके जानने वाले लोग होते हैं जब मूवी कोई रिलीज़ होती है तो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और किसी को फ़ोन करके फ्री पासिस के लिए कहते हैं, अल्लाह के वास्ते खुद टिकट खरीदें, मूवी देखें, इससे आपके उस दोस्त को भी सपोर्ट मिलेगी जो भले उसके अंदर लीड एक्टिंग के ऊपर आया हुआ है या फिर वो छोटा सा ही कोई रोल कर रहा है, कोई उसके अंदर उसने समझ लें प्रोडक्शन में ही उस बेचारे ने कोई चाय पिलाई है भले, उसकी भी फेवर होगी अगर मूवी सक्सेसफुल जाएगी, आपके टिकट खरीदने पर ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में अलमिया ये है, हमारे पास सिनेमा का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, स्क्रीन्स इतनी अच्छी नहीं मिलती, और जब कोई हॉलीवुड से मार्वल रिलीज हो जाती है तो फिर तो यहाँ पर सारे के सारे कहते हैं लाओ जी स्पाइडरमैन नो लबो, नहीं और हजार रुपए का टिकट भी ले लेंगे। हाँ। और जब इस तरह की कोई मूवी अब जो अपनी रिलीज होगी तो कहेंगे यार टिकट बहुत महंगा है यार, नहीं इसको नहीं देखना। फिर इक्वेशन आती है, 1000 रुपए की टिकट, 200 रुपए का पॉपकॉर्न, 150 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, ये हो गए 1500, और कल तो जाना नहीं है तो दो हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3000 कम से कम देने, ये सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। भाई अल्लाह के वास्ते अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए, माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही हैं, सारी मूवीज देखिए एक एक करके और फिर फैसला कीजिए कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, ये आपकी अपनी पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले जनाब, अब मुझे ये बताएगा कोई ऐसा वाकया इस मूवी के शूट के दौरान जो कि आपको हमेशा याद रहने वाला है। वो एक एक्शन स्टंट था, इसमें जीप के पीछे बांध के मुझे विलन्स जो है ना वो रस्सों से बांध के मुझे जंगल में घसीटते हैं, तो उसमें मैंने सेफ्टी यूज़ की थी, वैसे स्टंट मैंने खुद किया, बॉडी डबल नहीं था वहाँ पे मौजूद ना मैंने लिया, तो वो जब मैं स्टंट कर रहा था तो जाहिर है 2-3 टेक्स होती हैं, 4 होती हैं, तो वो टेक्स हुई तो 3री टेक पर मुझे तकरीबन 3 सेकंड बाद थोड़ी सी जलन महसूस हुई। अच्छा। तो मैंने कट करवाया, कट तो कट हुआ तो जब मैं उठा तो मेरा अब्डोमिन और मेरे ये बाजू सब जख्मी हो चुके थे वहाँ पे, और मैंने देखा तो शर्ट भी जो थी वो मेरी जो थी वो फट गई होगी, पूरी शर्ट फट गई थी यहाँ से। अच्छा अब वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम, अब उसके बाद ये था कि सीक्वेंस बाकी था हमारा शूट होने वाला, तो वो जो रात को भागदौड़ हुई थी मेरी कपड़ा उसको बैलेंस करते हुए सारा चीज़ों को, वो एक बड़ा अजीब सा टास्क मिल गया था मुझे, क्योंकि पूरा सीक्वेंस मेरा उन कपड़ों में बड़ा हुआ था और वो कंप्लीट भी, और वो कंप्लीट भी करना था मैंने। और ये लव स्टोरी किस तरह की थी, मतलब जिस तरह की वो कहते हैं ना कि लिमिट्स में रहते हुए या फिर खुल के लव स्टोरी थी? लिमिट्स में रहना नाच में नहीं, वो नहीं थी लिमिट्स में फहीम की जो बातें हैं ना वो बस फहीम की बातें, सिर्फ खुलासा कर रहा हूं ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। अच्छा मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग हमसाया मुल्क से जो कंटेंट आता है ना वो कैसा भी हो हम लोग बड़ा मजे से देखते हैं उसको, लेकिन जब हम पाकिस्तानी एक्टर्स कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश करते हैं ना तो हमें फौरी तौर पे सारी लिमिट्स याद आ जाती है। सही कह रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, सोशल मीडिया अपने फेलो एक्टर्स के साथ भी देखता हूँ होते हुए सोशल मीडिया, वहाँ तो आपको आंसरेबल होना पड़ता है ना ये कैसे कर लिया, हम नहीं कर सकते। हाँ हम नहीं कर सकते, पता नहीं ये समझते हैं कि शायद पता नहीं हम एक्सेस में है ना उनके, हम एक्सेस में है ना इस वजह से, वो वहाँ इमरान हाशमी को कुछ कहेंगे उसे क्या फर्क पड़ जाना है, उसने रिप्लाई भी नहीं कर रहा, हम एक्सेस में हैं, हमें कहीं भी पकड़ के बोल देंगे यार आपने ये गलत किया। ये मैंने अपनी ऑडियंस पाकिस्तानी ऑडियंस को ये देखा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरह हुमायूं मलिक गई थी फिल्म करने वहाँ पे तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ऐसा ही फिल्म उनका वो आज भी बेचारी कंप्लेंस कर रही होती इस चीज पे। अच्छा अब हमारे साथ जाहिर है सारा मौजूद है तो सारा एक दूसरे खामोश है, आपने उनको वहाँ दिखा दिया था तो मेरा ख्याल है इन्हें मैं वापस ले आऊँ, मुझे ये बताएगा आप दोनों की भी माशाल्लाह लव स्टोरी है जी, तो ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई फिर शादी तक बात कैसे आई, कुछ बताइएगा अपने बारे में भी। बताओ सच बताओ। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे बेसिकली, हम लोग एक फैशन वीक में मिले थे। अच्छा। तब हमारी दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो गई कि हमने शादी का डिसीजन लिया, उसके बाद प्यार शुरू हुआ निकाह के, शादी के बाद, निकाह के बाद, निकाह से पहले एक्चुअली। अच्छा। बट दोस्ती में शादी कर ली आप लोगों ने? इनका निकाह के बाद प्यार शुरू हुआ था मेरा पहले से, इनका इनके इरादे पहले ही नेक थे। आपका तो हाँ हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या दोस्ती वाला प्यार, दोस्ती वाली शादी कौन सी, इन्होंने स्टार्टिंग में प्रपोज किया, मैरिज होती है लव मैरिज होती है फ्रेंड मैरिज हो रही है फ्रेंड मैरिज यार। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने बताया मैं पहले से सीरियस था, वरना अमूमन लड़के जो है ना उनको शादी के बाद ही मोहब्बत होती, पहले वो सोच ही रहे होते हैं कि भाई ये खेल आगे बढ़ाना है कि नहीं। लड़कियों की सोच है, लड़कों को बचपन से मोहब्बत होती है जी, ये सिर्फ लड़कियों की सोच है और ये बीवियों की सोच है। By the way, आपकी लव मैरिज है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। फिर तो आप गुजरे आपको पता होगा, इसीलिए तो कह रहे हैं हम बेहतरीन। और मैं तो ये कह रहा हूँ फटे उठे नहीं हो आपकी लव मैरिज में, सुकून से हो गई? नहीं सुकून से हो गई। अच्छा। ना इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी ना मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम। अच्छा यानी बड़े खुशनसीब लोग हैं वैसे आप, बिल्कुल कोई फिल्मी सीन नहीं? नो जरूरत नहीं पड़ी। ये भी अच्छी बात है। आपने फिल्मों में आने का कभी भाभी सोचा कि मैं अब फिल्मों की तरफ मैं भी आना चाहती हूँ, या कोई प्रोजेक्ट का वेट कर रही है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार हो रहा है, या बाय आई एम शॉक? एक्चुअली शादी के बाद मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि शायद ससुराल हो, यू नो काफी चीजें, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी इन लॉस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर मैंने छोड़ने की कोशिश की तो असद ने बहुत सपोर्ट किया,
बार बार कि तुम्हें करना चाहिए वो, तो इंशाल्लाह वेरी सून। ओके जबरदस्त, यानी इंशाल्लाह आप लोगों का कपल भी जो है वो रियल टाइम कपल जो है वो ऑन स्क्रीन कपल भी जो है वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। अच्छा ये जो अभी आपने इस मूवी के अंदर एक बड़ी कुवतों के खिलाफ एक जंग जनाब छिड़ गई और आपने वो जीती फिर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, ये जंग किस तरह की थी? असल में वो मोहब्बत नहीं थी, असल में वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि सिचुएशन डेवलप हुई तो ये अपनी जान बचाने के लिए लड़की को लेके भागता है। अच्छा तो वो जर्नी के दौरान में इसको उससे मोहब्बत होती है। अच्छा कॉपी पेस्ट तो नहीं है, वरना हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि फलानी फिल्म थी उसकी कॉपी है। कोई कॉपी नहीं है, फिल्म आप देखेंगे जब आप कॉन्टेंट देखेंगे आप कहेंगे यार ये प्योर कॉन्टेंट है और ये पाकिस्तानी कॉन्टेंट है और हमारी मट्टी से जमीन से जुड़ी हुई कहानी है। ऐसा अच्छा, नहीं एक, एक सवाल बड़ा मजे का मेरे जेन में आ रहा है। जी जी कर दी। वो सवाल कुछ इस तरह से है कि अमूमन ये होता है कि जब तक फिल्म अपने एंड तक पहुंचती है ना, कास्ट के आपस में इतने फड्डे हो चुके होते हैं प्रोड्यूसर्स के साथ डायरेक्टर्स के साथ कि वो हमें ये बता रहे होते हैं रेड कार्पेट पे कि यार इनको बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने। जी 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 आपस में मिलने को तैयार नहीं होते, हीरोइन नहीं मिल रहे होते, फिल्म रेड कार्पेट तक आ जाए यही बड़ी बात है। अच्छा हमारे यहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी कास्ट में बहुत सीनियर्स हैं, राशिद महमूद साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, शफकत चीमा साहब, सलीम मेराज भाई हैं हमारे साथ, इसके अलावा असलम हसन साहब हैं हमारे साथ, मैं हूँ, मैं तो नया हूँ बिल्कुल, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, शबाना भट्टी हैं माँ के रोल में, इसके अलावा सरदार कमाल साहब हैं कॉमेडियन, अजहर रंगीला साहब है कॉमेडियन, उनका बड़ा अच्छा एक सीक्वेंस है, नए लोग भी हैं, हमारा किसी का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सेट पे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे थे कि उन्होंने हर चीज़ हमें वाफर दी थी, तो मेरा नहीं ख्याल वैसे भी वाफर मिले वाफर दी, हर चीज़ उन्होंने वाफर दी थी हमें, तो लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी। ये सही है, मुझे इस चीज़ अब इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है इस मूवी को दोबारा देखने, मतलब अब मैं दूसरी मरतबा भी ये हामी भर रहा हूँ कि मैं ये मूवी देखूंगा, उसकी वजह यह कि इन्होंने पूरी माशाल्लाह से कास्ट गिनवाई, लगा शायद अभी कहने लगे मैं भी फिल्मों में काम करूंगा, पूरी कास्ट गिनवाई है, ये वो जावेद शेख नहीं है, ये पहली फिल्म में जावेद शेख नहीं है, आप इसे जरूर देखना है कि बिना जावेद शेख साहब के भी कोई फिल्म पाकिस्तान में बन सकती है। अच्छा मैं मेरी पहली फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी वो जावेद शेख साहब की थी, उसका नाम था वजूद, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय जावेद शेख साहब और दानिश तैमूर वाज इन फर्स्ट लीड और मैं सेकंड पे था साथ में। सही। तो शेख साहब को मैंने ऑडिशन दिया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, मुझे डेब्यू करवाया था जावेद शेख साहब ने। क्या बात है, नहीं नहीं बड़े लेजेंड एक्टर, एज अ डायरेक्टर मैंने उनको देखा, बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन डायरेक्टर है, बेहतरीन प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान का लेजेंड है, लेकिन ये पहली फिल्म है जो उनके बगैर होने जा रही है, तो देखना तो होगा। अच्छा आप सेट पे जाती थी? नहीं, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग लाहौर में हुई थी तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कराची में थी मैं। अच्छा लाहौर में तो लाहौर कितनी दूर है? कुछ सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस, एक्चुअली हमारे पास कैट्स है ना। अच्छा तो वो मुझे थोड़ा सा कंसर्न हूँ मैं। अच्छा 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 आपको कैट से प्यार है या इन्होंने कहा था कि ये शादी का डिसीजन था हमारा कि कैट साथ आएंगी जहेज में। अच्छा आपके घर से आई है? हाँ। कितनी कैट्स हैं? मेरे पास पहले 4 थी, अब एक की डेथ हो गई थी। ओह अच्छा, और कैसे मतलब पर्शियन? हमारे घर में एक प्रॉब्लम, हमें एलर्जी है जी, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर करो, मेरी तो ऑलमोस्ट 9 इयर्स की हो गई है भाई। माशाल्लाह आप अपनी बिल्लियों को संभाल के रखिएगा, जब से मौलवी साहब ने की बिल्ली ने उनको जो है वो पप्पी दी है, तब से हर बंदा जो है अपनी बिल्ली को लेके जो है जबरदस्ती बिल्ली को कह रहा है भाई प्लीज। लेकिन वो बहुत क्यूट वीडियो है, तो बहुत ही क्यूट है, उसके बाद जो जहरीले लोगों ने अटैक किया वो चेंज कर दिया उस वीडियो ने, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है और बहुत ही नेचुरल रिवॉर्ड मिला ना, तो वो मतलब बड़ा अच्छा लगा भाई। उन्होंने जो फिर उसके बाद यहाँ पर छापा है उसे, मतलब हर बंदा हर मौलाना साहब जो है वो एक बिल्ली जबरदस्ती, मेरे ख्याल से अगर ये वाकया पाकिस्तान में होता तो उस बिल्ली का हाल बहुत बुरा होता, वो बिल्ली पे टिकट लगी हुई होती, बिल्ली पे टिकट लगी हुई उसकी ज़ियारत को लोग आ रहे होते, तशद्दुद का शिकार हो जाते जरूर। अच्छा जी अब चूंकि टाइम अब बिल्कुल अब हमारा खत्म होने वाला है, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को कि वो खास तौर पर इस फिल्म को क्यों देखने जाएं, तो वो दे दीजिए। मैं मैसेज तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन फिलहाल फिल्म रिलीज हुई है तो मैं सब पाकिस्तानी अपने भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, दौड़ को भी देखें, बाकी जो फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं साथ में अगर टाइम हो तो उनको भी देखें, लेकिन दौड़ को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको प्योर पाकिस्तानी कंटेंट देखने को मिलेगा, खूबसूरत लोकेशंस देखने को मिलेंगी, पूरे पाकिस्तान में हमने शूट की है, तो मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि फिल्म को जरूर देखिएगा। चलें जी बिल्कुल फिल्म को देखना है, और ईद का तो खास मौका होता है, उसमें हम लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए निकलना ही होता है, तो फिल्म अपनी बनी हुई लाजमी देखनी चाहिए कि हमारे मुल्क की अपनी इंडस्ट्री को जनाब हम लोगों को उठाना है तो अपनी मूवीज तो देखनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और अब जो है वक्त की किल्लत की वजह से हम अपने मौजूद मेहमानों से जो है इजाजत चाहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ईद के इस पुरमसरत मौके पर, हम आपको खाली हाथ ऐसे नहीं जाने देंगे क्योंकि मीठी ईद है तो कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी की जानिब से आपके लिए हैंपर्स हैं जो कि आपके साथ जाएंगे,
और मैं चाहूंगा कि ये आज जो है ये सारा आपके लिए भाभी को दीजिए, ये असद आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया ईद के इस मौके पर। यकीनन बहुत सारी मसरूफियात हैं, मूवी रिलीज हुई है, सक्सेस पार्टी है, एंजॉय कीजिए, भाभी साथ जाइएगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।